दोस्तों, मैं आपका दोस्त पुनीत भटनागर आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का ये सेशन, देश संवाद का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता दिवस के पूर्व ही हम आज ये सेशन करने जा रहे हैं। हमारे लिए ये स्वतंत्रता का ही एक सेलिब्रेशन है, एक उत्सव है, और इसीलिए आज हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, मेहमान नहीं है, हमारे परिवार के, गेसु परिवार के सदस्य हैं, कमोडोर चारुदत्त सी प्राणी, जो हमारे 86 बैच के सीनियर हैं। प्राणी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सबको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये स्वतंत्र भारत ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, इसके लिए भी एक्चुअली बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सर, आपसे बात करने की इच्छा, आपके विचार जानने की इच्छा मेरे ख्याल से गेसु के हर स्टूडेंट के मन में रही होगी। कभी न कभी उन्होंने ये सोचा होगा कि गेसु के प्रांगण में वो जो एक जी प्लेन है, जो इतनी शान से खड़ा हुआ है, वो जी वहां तक पहुंचा कैसे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि चारुदत्त सर जहाँ एक तरफ देश की सेवा में लगे हुए हैं, अब रिटायर हो चुके हैं, लगे हुए थे, वहीं कहीं ना कहीं येसु भी उनके दिल में धड़का। और तो इसकी बात भी हम करेंगे कि वो प्लेन वहां तक कैसे पहुंचा। जी लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है चारुदत्त सर की जो जर्नी है। मैं कहूंगा कि ये जो उड़ान है, और उड़ने वाले पायलट को वो कैसे एम्पावर करते हैं, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो सर, शुरू करें तो बिल्कुल बिल्कुल, मेरी ओरिजिन बिल्कुल उतनी अच्छी नहीं होगी शायद, लेकिन मैं आई थिंक जो बताने की कोशिश करूंगा वो शायद दिल से बताने की कोशिश करूंगा। सर, ये जैसे मैंने कहा ना, गेसु का ये मंच है, यहाँ पे हम सब दिल से दिल की बात करते हैं। बिल्कुल, और तो सर, यहाँ से शुरू करते हैं कि आपका रनवे कौन सा था, कहाँ से आपकी जिंदगी का टेक ऑफ हुआ, बिल्कुल आपका चाइल्डहुड कहाँ पे बीता, थोड़ा जी। संक्षिप्त में हमको बताएंगे। 7 मार्च 1965 जन्म हुआ था ओके, इंदौर हाँ में। हाँ इनिशियली जो पढ़ाई हुई थी वो होती थी रेणुका बाल मंदिर अच्छा, रामबाग में। उसके हाँ बाद में 6ठी कक्षा में मैं आते आते, एक्चुअली हम लोग लोकमान्य नगर शिफ्ट हुए, तो इसलिए पास में जो स्कूल था, वो सबसे अच्छा जो स्कूल था वो था दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल। तो उसमें फिर 11वीं तक की पढ़ाई हुई, उसमें 11वीं बोर्ड हुआ करता ओके, था। आज के लोगों को आई थिंक बताना ये शायद जरूरी, हाँ कि 11वीं जरूरी है। हुआ करता था। उसमें एक 8वीं का एक छोटा सा बोर्ड रहता था, लेकिन वो छोटा बोर्ड था, लेकिन उसके बाद फिर 11वीं में बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये आपका रनवे था। जी और देखिए, एक चीज मैं जहां तक समझता हूँ कि सर, जो विमान उड़ान भरता है, उसको भरने, वो विमान भरने की ताकत जो है, शुरुआती ताकत, आप कितनी तेजी से दौड़ रहे हैं, जी 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 सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं रनवे पर, उस पर जी जी बात। जी तो स्कूल में कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस आप पे रहे होंगे जिन्होंने आपके आगे की जिंदगी पे प्रभाव डाला। बहुत सारे रहे, उनमें से जो बिल्कुल अच्छे अच्छे जो नाम मुझे याद आ रहे हैं, शेखर सर थे हमारे अच्छा रेणुका बाल मंदिर अच्छा में, उनकी हैंडराइटिंग अभी भी, हिंदी की जो हैंडराइटिंग है ना, वो अभी तक तो मैंने उतनी अच्छी हैंडराइटिंग देखी नहीं, ओके, और पढ़ाने में भी उतने ही अच्छे थे। दयानंद हायर सेकेंडरी स्कूल में, दयानंद में तो वैसे भी वो स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट स्कूल था, लेकिन उसमें ओके, भी हमारे चिटनीस सर, आज भी हम जब कभी अगर इंदौर जाने का मौका मिलता है और वो अगर वहाँ हो तो उनके पाँव पढ़ने जरूर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें क्या बात इंजीनियर बनाया। क्योंकि वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स जैसा पढ़ाते थे, शायद आई थिंक बाकी स्कूलों में उतना अच्छा नहीं ये। पढ़ाते थे, ये लोग बोलते थे, वैसे खुला खुला बोलते भी थे, कुछ बच्चे थे जो बाहर पढ़ते थे बोलते थे कितनी सरसरी का कोई पढ़ाता नहीं है। प्रोफेसर ये बात सही है थे फिर। हमारे केमिस्ट्री पढ़ाने वाले, सतीश चंद्र त्रिवेदी सर थे प्रिंसिपल साहब, इन लोगों ने हम लोगों को बनाया, इन लोगों ने हमें स्कूल से इंजीनियर बनाया। ओके, पर इंजीनियर बनने के पहले, जी इंजीनियर बनने के पहले जहां तक मुझे समझ में आता है, आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे स्कूल के वक्त, जी 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 स्कूल क्या ये स्कूल किससे सच में नहीं, हम लोग सुबह 5 से 8:30 बजे तक गर्मी के दिनों में, है? और हाँ, शाम को 4:30 से करीब 8 बजे तक हैंडबॉल खेला करते थे। और तो मुझे बताते हुए अच्छा लग भी रहा है, अब बहुत अच्छा लगता है कि मैंने
उसमें जूनियर हैंडबॉल नेशनल चैंपियनशिप जो हुई थी नागपुर में, उसमें अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट किया था। तो वो कहीं ना कहीं किस्सा फिर बाद में भी काम में आया, क्योंकि वो जो आफ्टर ऑल आप अगर एक स्पोर्ट्समैन बनते हैं तो वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपकी आई थिंक शायद जिंदगी भर रहती है। मुझे लगता है कि स्पोर्ट्समैन होना भी सैनिक होने के लिए जरूरी है, क्योंकि जी बिल्कुल वो उसका एक तरह का फाउंडेशन तो है कहीं ना कहीं। स्पिरिट ऑफ कोर जो बोलते हैं वो स्पिरिट ऑफ कोर से पहले एक्चुअली आई थिंक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आनी चाहिए, उसके बारे में। ओके तो सर, अब मुझे पर मैं दोस्तों उसके पहले आपको ये बताऊं, मैं बात आगे बढ़ाऊं कि आज चारुदत्त सर से हम बहुत सारी बातें करेंगे, उसमें डिफेंस में हमारा करियर कैसे बन सकता है या डिफेंस को करियर क्यों अपनाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। सो बने रहिए, और जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ हैं वो गेसू के ना भी हो, क्योंकि सर आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो प्रोग्राम है इसको सिर्फ गेसू के हमारे दोस्त नहीं देखते, इसको उज्जैन वाले लाखों लोग देखते हैं, और इसके अलावा भी लिंक्डइन, ट्विटर और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत बड़ी संख्या में देखा जाता है। तो उन सब युवाओं को भी आपसे आज प्रेरणा मिलेगी, उनको समझ में आएगा कि डिफेंस भी एक करियर हो सकता है। जी जी, अगर कुछ बच्चों में भी वो चिंगारी में अगर जला सकूं ना, तो आई थिंक ये हमारा पूरा सेशन एक्चुअली सार्थक होगा। क्या बात है, क्या बात। तो सर आप अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे, हैंडबॉल होता क्या है बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, और आप उसका नेशनल चैंपियनशिप खेल रहे थे जब 8वीं क्लास में। तो पढ़ाई और क्योंकि इंजीनियर होने के लिए और आपके वक्त में कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा होता था, कॉलेजेस बहुत कम थे, तो पढ़ाई और स्पोर्ट्स दोनों को आप बैलेंस कर पा रहे थे? बिल्कुल कर पा रहे थे। तो जब 10वीं तक तो हमें स्कूल ने भी इनकरेज किया था कि भाई आप खेलते रहो, इनफैक्ट स्कूल में भी हम लोगों ने हर गेम में एक्चुअली रिप्रेजेंट किया, मेरा वो भी सौभाग्य रहा मेरे स्कूल को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन फिर 11वीं में आते ही स्पोर्ट्स पूरी तरह से मैंने बंद किया, मैंने कहा अब पढ़ाई करनी जरूरत है, कुछ हो गया या कुछ लग गया, कुछ चोट लग गई तो फिर उसके बाद में एक्चुअली पढ़ाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल रीजन था, उस समय जितनी समझ थी उसी हिसाब से किया कि भाई 11वीं में बिल्कुल भी खेलेंगे नहीं, 11वीं में है पूरा कंसंट्रेशन एक्चुअली पढ़ाई पे रहेगा और उसके बाद में फिर जो होगा आगे देखा जाएगा। तो सर आप 86 बैच के जी पास आउट है ना, जी इसका मतलब यह है कि आप 81 में अपने एंट्रेंस लिया था, तो आपका पहला बैच था? बिल्कुल, पहला बैच था पीडी का, और पूरे राज्य में जो है कंफ्यूजन चल रहा था, तो हम भी उस कंफ्यूजन के पार्ट थे। तो पीटी की तैयारी कैसे की जाए इसके बारे में भी जानकारी आपको थी? नहीं थी, नहीं कुछ भी नहीं थी। हमारे सर भी कहते थे पता नहीं ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, मिक्स आएगा, कुछ पता नहीं था, बट वी जस्ट अटेम्प्टेड एक्चुअली एंड वी अटेम्प्टेड आवर बेस्ट। ओके, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, जो जनरली पूछता हूँ कि, और ये हमारा सौभाग्य है कि आप उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में आए, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये आए कैसे, मतलब उज्जैन सीधा उज्जैन में ही लैंड किए? नहीं नहीं उज्जैन में लैंड नहीं किए, ऑब्वियसली मैं इंदौर का था तो मुझे जीएसआईटीएस सामने दिखता था हर समय, हमारी वो जाने की कोशिश चल ही रही थी, लेकिन जीएसआईटीएस वाज द बेस्ट कॉलेज। मुझे एडमिशन जो मिली थी रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मिली थी। तो रायपुर में पहुंच गया, रायपुर पहुंचने के बाद में मैंने कहा कि मुझे तो इंदौर में एडमिशन चाहिए, तो वहाँ जो प्रोफेसर थे वो भी जानते थे, ऐसे ही बच्चे आते जो क्या बिल्कुल ये ना समझ तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट वो जानते नहीं इस पूरे सिस्टम को, उनका बच्चे तुम्हारा एडमिशन इंदौर में तो हो नहीं सकता, तुम्हारे मार्क्स ही नहीं होते, लेकिन उसके अलावा कोई भी कॉलेज चाहिए हो तो ले लो, तो मेरे ख्याल से उज्जैन का कॉलेज सबसे पास में, वहाँ चले जाओ तो तुम फिर उज्जैन में रह सकते हो, और वहाँ से एक्चुअली कभी भी चाहो तो इंदौर जा सकते हो। तो मैंने कहा सर बिल्कुल सही है, आप अगर कर सकते हो तो करा दीजिए। उन्होंने लिटरली मेरी एडमिशन जो है वहां से ट्रांसफर लेटर दिया कि आप उज्जैन जाके एडमिशन ले लीजिए, और मैं आपको ये भी बताऊं उसी दिन शाम को हम ट्रेन पकड़ के वापस भी निकल लिए, जिस दिन पहुंचे कॉलेज में उसी दिन शाम को हम लोग निकले और उज्जैन की तरफ चल पड़े। तो बाबा महाकाल जी बाबा महाकाल और श्री कृष्ण जहां सांदीपनि आश्रम में पड़े
उसी से थोड़ा सा दूर एक्चुअली अपना गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था, वहां पहुंच गए। तो सर मैं लगातार अब एक कोशिश ये करूंगा इस पूरे सेशन में, आपने शुरुआती दौर में क्या सीखा जो बाद में आपको इतनी सफलता तक लेके गया, मतलब एक सीनियर पोजीशन पर आप पहुंचे, बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत क्रूशियल काम आपने किए हैं, कारगिल वार के वक्त फ्रंट लाइन पर आप तैनात थे हमारे सैनिकों की सहायता के लिए, तो मैं लगातार एक चीज जानने की कोशिश करूंगा कि ये कन्वर्शन कैसे हुआ, मतलब ठीक है, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग कॉलेज में आने के बाद आपका अनुभव क्या रहा, और यहाँ पे जैसे आपको अच्छे टीचर्स मिले थे स्कूल में, जैसे आपने चिट्टी सर का नाम बताया जी, उसी तरह उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में किन का प्रभाव आप जी? उज्जैन का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है ना, उसमें सबसे पहली बात तो हमारा था इंदौरी ग्रुप। ओके। क्योंकि हम लोग इंदौर से आते थे तो हमें एक थोड़ा सा किस नजर से देखते थे हमें पता नहीं था, या तो इंफीरियरिटी थी या सुपीरियरिटी थी वो पता नहीं, लेकिन कुछ तो कॉम्प्लेक्स कहीं था, हमेशा हमें इंदौरी करके ही बुलाया जाता था। हम लोग याद है मुझे एक्चुअली हर दिन कॉलेज से करीब 4:30 के करीब हम एक्चुअली सब अपने अपनी जगह से उठ जाते थे, सर को बताते थे सर बस पकड़नी है ट्रेन के लिए, क्योंकि ट्रेन 5:05 पे होती थी, वो अगर आप वो 4:40 वाली वो भवानी मंडी वाली अगर बस ना पकड़ो तो आप वो लेट हो जाते और फिर वो ट्रेन पकड़ नहीं पाते। तो हम लोग कॉलेज तो 5 तक चलता था, लेकिन हम लोग 4:30 पे वहां से भागते थे, और भागते लिटरली भाग करके बस स्टॉप तक पहुंचते थे ताकि वो बस जो है 4:40 पे जो आती थी उससे हम फिर पहुंच पाए। ये ग्रुप जो था ये यूनिक ग्रुप था हमारा, हम लोग 12 लोग जो थे वो, यानी अब वो बॉन्ड जो है वो जन्म भर के लिए बॉन्ड बना हुआ है, क्योंकि हम लोगों ने 5 एक ही ट्रेन में, मैं तो इनफैक्ट लोकपाल नगर ने एक स्टेशन पहले ही चढ़ता था तो मुझे और आधा घंटा मिलता था उस ट्रेन को पूरा देखने को, तो ट्रेन के नट बोल्ट्स भी देखता था मैं आराम से उसकी बेंचेस देखता था कौन सा एक्चुअली डिब्बा ज्यादा अच्छा है, फिर उस जिस डिब्बे में हमें बैठना है उस डिब्बे में से अगर कोई और बैठा भी हुआ हो उस बेंच पे तो उसको फिर हटा के कि भाई आप कहीं और बैठ जाओ, हम लोग एक्चुअली साथ में बैठेंगे। ये भी था कि एक्चुअली जो कॉलेज का खौफ वो उस उज्जैन इंदौर रोड पे रहता था, वही खौफ शायद आई थिंक ट्रेन में भी रहता, हमारे लिए जगह मिल जाती थी हमें, इवन कुंभ मेला जब लगा था उस समय भी हमें जगह मिल जाती थी और आराम से हम एक्चुअली बैठ के फिर जाते थे। हमारे जो 12 हमारे जो ग्रुप थे, प्रशांत जोशी, देवेंद्र डबकरा, दिनेश आचार्य था, शब्बीर राजा, अब मैं नाम तो सभी के ले सकता हूँ क्योंकि नाम अभी भी वो क्या जहन में नहीं दिल में है, तो कभी भी एक्चुअली उनसे फिर बात भी होती है, अभी बेटी की शादी में भी उनमें से कुछ आए थे, वो अटैचमेंट अभी लाइफ लॉन्ग है वैसे भी। अच्छा, तो जो उस वक्त आपके साथ ट्रेन में सफर करते थे वो शादी तक भी आपके साथ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और मेरा अभी भी उनसे कांटेक्ट रहता ही रहता है, बिल्कुल है। आई थिंक दैट इज रिमार्केबल, दैट इज रिमार्केबल। नहीं, वो नेचुरल बॉन्ड था, और उसको बॉन्ड को हमारे पकड़े हुए जो थे वो सहनी सर थे हमारे केमिस्ट्री के, वो भी इंदौर से आते थे रोज, तो वो आते थे तो हम उनके इर्द गिर्द घुमा करते थे, क्योंकि हमें जो रैगिंग से कोई अगर बचाने वाला था तो सहनी सर थे। ओके, तो रैगिंग बहुत होती थी शायद आपको भी पता ही होगा वैसे, तो वो उस समय अगर बचना है तो सहनी सर के आसपास रहो, सिंपल प्रिंसिपल रहते थे, सहनी सर बोलते थे बच्चे कुछ भी हो जाए इधर खड़े हो जाए बस, वो उनकी उनकी फिगर भी एक्चुअली फादर फिगर थी, कभी भी उन्होंने हमें, मैं आप सबके सामने एक्चुअली बता रहा हूँ, मुझे किसी ने डांटा हो या गाली दी हो या कभी किसी ने हाथ लगाया हो, हुआ ही नहीं। आप विश्वास नहीं मानेंगे इस चीज को, वही मैं बता रहा हूँ कि उस दौर में कोई बिना थोड़ा सा भी बिल्कुल विदाउट डाउट फैक्ट। तो कहीं ना कहीं एक इंदौरी ग्रुप आपको मिला, एक बॉन्डिंग आपकी बनी, और जो बॉन्डिंग बहुत जरूरी होती है बड़े काम करने के। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं पढ़ाई में भी हम लोग सब साथ में, जब फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो कॉलेज बहुत कम दिन लगा था, तो हम जब भी समय मिलता था फिर हम एक दूसरे के घर पे जाते थे और पढ़ाई करते। अच्छा, तो इंदौर में एक दूसरे के घर? जी जी जी, क्योंकि हम लोग कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे, आप वो फिजिक्स की आज भी अगर किताब उठा ले, रेसिंग हॉलीडे वगैरह टाइप, वो किताबें समझ में तो आती नहीं थी ना,
ये बात सही है सर, वो मैं आज भी सोचता हूँ, मतलब मुझे आज भी सपने आते हैं, वो मोटी मोटी किताबें होती थी और अक्सर। खुर्मी की किताब अगर आप वैसे ही देख ले तो हाँ पहले देखने से डर लगता है, फिर उसमें से अगर बिल्कुल वो किताब खोल लो तो उससे यानी उन चीजों को समझना है तो कोई तो एक्चुअली साथी लगना ही लगना था। अब गुरु नहीं साथी मिल पाया तो फिर साथी है, तो साथी लेकिन इतने लगे। अच्छे मिले जिन्होंने हमें पढ़ाया तो और गुरु हमें। गुरु गुरु नहीं मिल पाया क्योंकि कॉलेज ज्यादा लगता ही जी नहीं था जी जी इसलिए जी गुरु नहीं गुरु से उसके बाद बात में नहीं हो। 3rd ईयर से सब, 3rd ईयर से सब नॉर्मल हुआ। 3rd ईयर से एक्चुअली ये जो बंद होने वाला कान है तो कहानी थी वो भी खत्म हुई, हम लोग भी थोड़े सीनियर हो गए तो ये परेशानी वाली बात भी खत्म हो गई। तो फिर वो तो स्थापक सर या पांडे सर वगैरह सर के लोग जो थे उन्होंने हमें मोल्ड किया। ओके तो कौन से वो टीचर्स थे, कौन से टीचर्स थे जिनका प्रभाव आप पर मैंने कहा स्थापक सर थे, पांडे सर थे, रहा? ये लोग जो ये लोग ना दिल से पढ़ाते थे। अगेन वो भी थे बिल्कुल बेचारे, वो भी अटेम्प्ट करते थे कि यार ये बच्चा आया है इतनी दूर से पढ़ने के लिए आया है, मैं इसको एक अच्छा इंजीनियर बना के भेजू। आफ्टरऑल हमारे कॉलेज की रेपुटेशन भी अगले कॉलेज की रेपुटेशन से एक्चुअली बराबर तो कम से कम होनी चाहिए, इफ नॉट बेटर। और वाई शुड ए चाइल्ड गो टू इंदौर, एक्चुअली वाई शुड ही नॉट लर्न हियर ऑनली, क्योंकि होता था वहां पे वो उज्जैन से कुछ लोगों ने ट्रांसफर लेके 2nd ईयर में इंदौर में क्या हाँ, एडमिशन। कहीं ना कहीं वो खुन्नस होती होगी, जी हमारे जी टीचर्स में भी होती होगी कि, जी और बिल्कुल कभी कभी मुझे लगता भी है कि एक चीज होती है, ब्रांड होता है सर, पर अदरवाइज जी हमारे जो टीचर्स थे वो इतना दिल से पढ़ाते थे कि बिल्कुल। मुझे नहीं लगता उससे बेटर आप नहीं नहीं और वो कहीं पढ़ सकते हैं। और उस एनवायरनमेंट में जहां पे एक्चुअली पूरा वो जो कुछ पॉलिटिक्स जो कुछ भी था कि कॉलेज लग ही नहीं रहा है, हाँ लेकिन हाँ जिस हाँ दिन लग रहा है उस दिन वो अपना दिल डाल करके बैठ जाते थे कि भाई आप पढ़ो मैं पढ़ाता हूँ। और ये भी होता था, मैं अभी भी बताता हूँ एक्चुअली, कि बिल्कुल जब हम एक पीरियड खत्म हुआ तो दूसरे टीचर एक्चुअली सामने खड़े रहते थे, प्रोफेसर आकर के वहां खड़े रहते थे कि यार मैं लेने आया हूँ कॉलेज, अब क्लास अब आप बाहर निकलिए। ये डेडिकेशन यानी आज के जमाने में देखना तो बहुत मुश्किल बात है, उस समय भी शायद आई थिंक गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा शायद ना हो। नहीं, ये बात सर मैं आपको बताऊं कि मैं खुद उस वक्त ही अप्रिशिएट नहीं कर सका, लेकिन जी बाद में जब मैंने दूसरे कॉलेजेस देखे और अब जी मैं जी खुद जी जाता हूं ट्रेनिंग के लिए, कई बार कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ बात करता, जी बिल्कुल मुझे लगता है कि वो देर वॉज रिमार्केबल, मतलब देर वॉज रिमार्केबल, और जो वो देखने को नहीं मिलता। बिल्कुल मैं आपको एक चीज ईमानदारी से बताऊं, शायद आज के गेसों में भी वो माहौल ना मिले जो वो माहौल था उस दौर में। नहीं शायद वो क्या है वो पौध भी वैसी नहीं है, फिर पेड़ क्या है जमीन भी वैसी नहीं है वाली बात है। हाँ उधर म्यूचुअल ये रहता है, ये तो म्यूचुअल रहता है, ये तो बाद में मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है कि ये चीज इतनी ज्यादा म्यूचुअल रहती है कि अगर आप जान देने के लिए तैयार है तो बंदा आपकी जान बचाने के लिए वहां पे बिल्कुल खड़ा हुआ है, बिल्कुल वो अपनी बिल्कुल जान दे देगा लेकिन आपकी जान नहीं जाने देगा। बिल्कुल ये चीजें बाद में समझ में आई बात है। तो बिल्कुल। तो सर है अभी बताइए कि उस दौर में करियर के प्रति इतनी अवेयरनेस नहीं थी जितनी आज है, जी। तो ये कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करना है, ऐसा कोई सोच था मैंने? मैं थोड़ा बहुत तो मैंने एक है ना, वैसे अभी पर्सनली कहूँ तो मैं स्वामी विवेकानंद है ना उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस था बचपन से ही था। वो सम डूइंग्स एट होम ऑल्सो की उनका उनका लिटरेचर मैंने बहुत पढ़ा, उनसे लगा भी कि ये एक्चुअली का आइडियल हो सकते हैं। अब ये मैं ये कहूँ कि मेरे को तो देश सेवा ही करनी थी और मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना था, ये गलत होगा। उस समय ऐसा एक्चुअली ये नहीं था, जिस भी काम को मैं मुझे मिलता मैं शायद उसको एक जज्बे के साथ करने की इच्छा रखता, लेकिन आई थिंक जब वो क्या आप कर्म अच्छे करें तो फिर भगवान भी एक्चुअली मदद के लिए कुछ भेज ही देते हैं। अगस्त में हम लोग का रिजल्ट आया, हमारा रिजल्ट लेट हो गया था, 86 में अगस्त में रिजल्ट आया था, उसके तुरंत बाद में एक्चुअली एयरफोर्स की एडवर्टाइजमेंट निकली थी इंडक्शन के लिए, February 87 में जो बैच स्टार्ट होने वाली थी उसके लिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया था अक्टूबर में, किसी कारण से मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं जा नहीं पाया, मैंने उनको अप्लीकेशन दी तो उन्होंने कहा ठीक है आप एक्चुअली दिसंबर में आ जाइए, नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर आई वॉज देर इन देहरादून और वहाँ पे 30 बच्चे आए थे, आई वॉज वन अमंग्स 30, सभी जगहों से आए थे ना, ऑल ओवर इंडिया आए हुए थे। वो उनमें कुछ यानी एक्स जो एयरफोर्स में जो एयरमैन करके काम कर रहे थे टेक्नीशियंस थे वो भी थे, वो भी अपनी कमीशनिंग के लिए आए हुए थे। तो उन्होंने बताया सर कि बिल्कुल सिंपल बताया कि यार ये मौका मिले तो बिल्कुल खोना होगा, बिल्कुल छोटा मत, ये आप अभी नहीं समझ रहे लेकिन अगर ये हुए तो। हमारी जनरल बातचीत जो होती है ना 3-4 दिनों में जितना इंटरेक्शन होता है उतने में यही समझ में आया था, लेकिन उस दिन आखिरी दिन जब अनाउंसमेंट हुई और मेरा नाम आया तो सडनली ये हुआ कि अरे
अभी तो मेरे को फिर घर छोड़ना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। लेकिन घर वालों ने भी बिल्कुल आराम से बोले कि नहीं, मैं अकेला, मेरी सिस्टर छोटी, कॉलोनी से मैं अकेला ही था जिसने इसके लिए अटेम्प्ट किया था और फिर सिलेक्शन भी हुआ था। और यहाँ पर जी जी दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सर। जी तो एक तो ये कि जैसा मुझे पता है आपके पिताजी तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, माता जी आपकी टीचर थी जी, तो ऐसे में एक बच्चा जो है वो एयरफोर्स में जा रहा है और उसको जाने की परमिशन देने आते हैं। बिल्कुल नहीं नहीं मैं आई ओ इट टू माय मदर, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल बेफिक्र होकर के जा बेटा अच्छा ही काम होगा। दूसरी बात आपके साथ शेयर ही करना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं ना कि वहाँ चार दिन में अच्छी बॉन्डिंग हुई और लोग मिले जी, मैं आपसे एक छोटी सी चीज शेयर करना चाहता हूँ कि एसएसबी मैंने भी दिया है। अच्छा क्या बात। मैंने एनडीए के लिए बैठा था, ट्वेल्थ के बाद गया था, पीएमबीटी भी मैंने क्लियर किया था, तो कहीं ना कहीं एक पायलट बनने की शायद दिल में, लेकिन मैं आपकी तरह स्पोर्ट्स में नहीं था, मेडिकल में मैं निकल नहीं पाया। तो आज आपसे बात करके, चलो तो आप तो हमारी नाव में थे, इट इज जस्ट दैट एक्चुअली आपने वो क्या बड़ी वाली शिप पकड़ ली, हमने छोटी वाली नाव में पकड़ के रखी। और तो आज आपके साथ बात करके उसकी भरपाई कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर और एक और चीज आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारे बहुत प्रिय मित्र अप्रतुल चंद्र शुक्ला है, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन जी, जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन में है प्रोफेसर जी, और हमारी समाज की टीम के बहुत अच्छे सदस्य हैं और इस समाज के स्क्रीन पर कई बार आ चुके हैं, मॉडरेटर आए हैं जी, और चुकी मैं उनका बैचमेट हूँ तो मुझे पता है कि वो आपकी जो शुरुआती ट्रेनिंग होती है वो कितनी कठिन होती है, किस तरह से होती है। तो मैं चाहूंगा कि जरा आप हमारे सब दोस्तों को बताएं ये बेंगलोर में आप जब गए ये ट्रेनिंग जी होती कैसी, मतलब किस तरह से वो तैयार करते हैं एक सैनिक को, किस तरह तैयार की। देखिए हम अगेन 36 लोग थे टोटल, हमारी बैच में 36 लोग थे, अगेन फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, लकीली हम लोग तीन लोग इंदौर से एक साथ थे। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारी बैच में तीन लोग किसी और सिटी से नहीं थे, इंदौर से ही थे, मैं, समीर बोराडे और इरफान अली खान, हम तीनों थे। एक अविनाश शर्मा को अगर काउंट किया जाए, वो शॉर्ट सर्विस कमीशन में थे तो वो चौथा वो भी था। हम चार लोग थे जो इंदौर से गए हुए थे और वहां पहुंचे तो बड़ा गर्मजोशी से स्वागत हुआ, अच्छा लगा कि यार ये तो अच्छे लोग हैं, हमें फिर कुछ दिखा रहे थे ये ऐसी इनिशियल ब्रीफिंग एक वीक जो हुई उसमें तो ऐसा लगा कि वाह वाह वाह, ये तो एक्चुअली सब हमारे स्वागत के लिए खड़े हुए और हमें सब कुछ ठीक ठाक एक्चुअली सब कुछ मिलने वाला है। एक ओथ ली जाती है, ओथ मीन्स शपथ ली जाती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से अलीजेंस की, एक शपथ ली जाती है वो बराबर एक वीक के बाद में ली जाती है, अराउंड 7 से 8 दिन के बाद में ली जाती है। तब तक एकदम माहौल सबसे सब एकदम ठीक ठाक चल रहा था, हमें 7-8 घंटे की नींद मिल रही थी, 4-5 घंटे का कॉलेज था, उसके बाद फिर ब्रीफिंग वगैरह जो होती थी वो बिल्कुल यानी ऐसा लग रहा था कि भाई हाँ भाई इंजीनियर को इंजीनियर वाला काम एकदम दिखाने वाले ऐसा कुछ। वो मिलिट्री ट्रेनिंग का कोई ज्यादा एक्चुअली उसमें कुछ कहानी शुरू नहीं हुई थी, जैसी ओथ ले ली हम लोगों ने उसके बाद से हमारे सितारे एक्चुअली बदल गए। उसके बाद से हमारी जो नींद जो थी ना वो 3 घंटे 2.5 घंटे ज्यादा ही अगर खुश हो गए लोग तो वीकडेज वगैरह में मिल जाती थी तो करीब मे बी 4 या 5 घंटे, उससे ज्यादा 5 घंटे से ज्यादा नींद तो मैंने आई थिंक पहले सेमेस्टर में कभी ली। ऐसा फर्क क्यों सर, मतलब ओथ ली उसके बाद अचानक से ओथ, ये जो है ना ओथ इज ट्रांजिशन फ्रॉम बीइंग ए सिविलियन, नाउ यू हैव टेकन एलिजेंस एक्चुअली कि मैं अब एयरफोर्स एक्ट के अंदर आ चुका हूं, नाउ यू आर ए पार्ट ऑफ द एयरफोर्स। तो आपने एयरफोर्स एक्ट के अंडर अपने आप को एक्चुअली अगर क्या कबूल किया, मैं से कबूल किया, ऐसा कोई वही नहीं, इट इज नॉट एक्चुअली कि आपको बांध लिया है वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपने आप कबूल कर रहे हैं कि भाई मैं एयरफोर्स एक्ट के जितने भी एक्चुअली गवर्निंग रूल्स है उसमें फॉलो करूंगा। उसके बाद में आप एयरफोर्स छोड़ नहीं सकते ऑन योर ओन, बिकॉज इफ यू लीव एक्चुअली यू विल बी कॉल्ड अ डेजर्टर एंड अदर वे अराउंड एक्चुअली एयरफोर्स विल ऑल्सो नॉट लीव यू। आपको अगर कुछ हो जाए जैसे मैं अगर कल कल को गिर जाऊं मेरे को लग जाए तो ऐसा नहीं कि एयरफोर्स बोलेगी भाई अब आप तो अभी तक ट्रेनिंग खत्म ही नहीं हुई है आप अपना अपना देखो आपको जो होना है होता रहेगा, नहीं, एयरफोर्स टेक्स केयर ऑफ यू एक्चुअली फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स। उन 7 दिन के लिए आप
फ्री रहते हैं, अगर आप चाहे तो आप कोई छोड़ भी सकता है, पर किसी को छोड़ नहीं सकते। ये जॉब ऐसा नहीं है जो एक्चुअली क्या बिना जज्बे के कोई आता है तो ऐसा छोड़ता भी नहीं है कोई, लेकिन अगर आप चाहते तो छोड़ सकते थे, बट उसके बाद में एक्चुअली टर्म्स आर वेरी वेरी क्लियर। वंस यू आर पार्ट ऑफ एयरफोर्स देन यू हैव टू लीव द एयरफोर्स वे। एयरफोर्स वे ऑफ ट्रेनिंग वॉज एक्चुअली रगड़ा। रगड़ा मीन्स है जो आप हम जो रैगिंग रैगिंग वगैरह जो वो बचकाना जो चीजें होती थी ना कॉलेज में वो नहीं होती है। यहाँ पे यू आर ए टीम, यू आर ए टीम ऑफ 36 गोइंग टुगेदर, ईटिंग टुगेदर, इवन वो जो फिजिकल एक्सरसाइज होती थी वो भी सब एक्चुअली रगड़ा जिसको कहते हैं वो एक्चुअली सब साथ में होती थी। इतना इतना मैं आई थिंक मैं बता रहा आज आप एक नया टर्म दे रहे हैं सर, इस वाइज रगड़ा। हाँ बिल्कुल, वो रगड़ा होता है। आपने रगड़ा देखा ना, रगड़ा पैटिस जो बनाते हैं उसमें क्या करते हैं आपको, वो पूरे रगड़ा को एक्चुअली मिक्स किया जाता है। तो दिस इज प्रिसाइजली दैट मिक्सिंग एक्चुअली व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग दैट टाइम। उसमें होता यह है कि अगर एक बच्चा जैसे एक ट्रेनी है, हम 35 ट्रेनीज है वो एक साथ में खड़े हुए 7:30 पे, अगर सबको बुलाया 7:30 पे हम एक साथ आकर के खड़े हो गए, जहाँ जिसने जो कहा वो मान लिया, 7:30 पे हम पहुंच गए। एक ट्रेनी है वो 7:31 पे आया, तो 7:30 होते ही अनाउंस हो जाता है 7:30 टाइम अप। तो टाइम अप होते ही एक्चुअली जो 7:30 तक जो आ गए उनको रगड़ा मिलता है कि भाई आपके वो जो साथी वो क्यों नहीं आए अभी तक। उनका रगड़ा एक बहुत ज्यादा ही सीवियर किस्म का होता था, क्योंकि तुमने तुम्हारी वजह से बाकी पूरी पूरी जो टीम है इट इज वेटिंग फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। आई थिंक सर दैट्स अ वेरी गुड लेसन, क्योंकि कई बार हम लोगों के साथ भी होता है कि हमारे स्पेशली इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत होता है कि कोई हमारा टीम का सदस्य है अच्छी परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेजीनेस दिखा रहा है, तो बाकी लोग उसको टोकते नहीं है। कहीं ना कहीं मन में रहता है बुरा मान जाएगा या मन में रहता है ठीक है ना यार, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड लेसन इन टीम बिल्डिंग। दिस यूज्ड टू बी सिंपल थिंग एक्चुअली, विद इन एक हाथ डेढ़ वीक लगा होगा, उसके बाद में फिर तो 7:30 बोलो 7:29 पे सब हाजिर हो जाते थे, सब आज, क्योंकि पता था अगर नहीं कर रहे तो एक तो पहले तो पूरी टीम तो खाएगी पूरी जो टीम मार खाएगी वो, एक तो आपको क्या विद ब्याज देगी आपको वापस, और जितनी देर आप आए नहीं है तो वो 10-15 मिनट जो है आप अलग से अपना एक रगड़ा खाई रहे जो विच इज इवन मोर सीवियर। तो रगड़ा एक्चुअली कोई अगर जैसे से आप यू आर एक्चुअली जंपिंग एंड रनिंग मे बी वो जो हेड रोल कर रहा है तो हाउ वुड यू लाइक इट एक्चुअली, मैं क्यों हेड रोल करूं यार, मैं क्यों लेट जाऊं। तो एवरीबडी यूज़ टू बी इन टाइम एंड नॉट ओनली ही यूज़ टू बी इन टाइम एक्चुअली, कई बार लाइक मेरा जो रूममेट था वो मुझे या मैं अपने रूममेट को लिटरली वो टाई से या शर्ट से पकड़ के बाहर ले आता था यार, बाहर चल टाइम पे पहुंचना है। आप जो टीम बिल्डिंग के जो कुछ फंडे और पता नहीं क्या क्या मैनेजमेंट में जो कुछ सिखाया जाता है ना, वी लर्न द टीम बिल्डिंग दिस वे स्ट्रेट अवे, कहीं पर भी पहुंचना है समझ नहीं पहुंचना। तो आई थिंक मतलब मिलिट्री में जो बड़ी सिस्टम होता है उसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है, मतलब एवरीवन टेक्स केयर ऑफ ईच अदर, एवरीवन पुशेस ईच अदर। पुनीत आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है मेरे ख्याल से, बट यस बड़ी सिस्टम इज एक्चुअली व्हाट व्हाट वी जो इन्वेंशन जिसको कहा जाता है ना मैनेजमेंट में जो जो इन्वेंशन हुए वो आई थिंक कहीं ना कहीं मिलिट्री से रिलेटेड ही रहे हुए हैं। सिस्टम आई अडॉप्टेड वेरी वेल बाय आउटसाइड वर्ल्ड। बिल्कुल, मतलब वो तो मैनेजमेंट में स्ट्रेटजी बोला ही जाता है ना सर, व्हिच इटसेल्फ स्ट्रेटजी इटसेल्फ केम फ्रॉम मिलिट्री। वेरी मच वेरी मच, बिल्कुल वर्ल्ड वॉर से ही निकली हुई है। तो सर ये तो एक चीज हुई व्हिच इज फैंटास्टिक एंड ये सबके लिए एक लेसन है कि पीयर प्रेशर बहुत जरूरी है सो दैट वी ऑल बी टुगेदर एंड डू थिंग्स टुगेदर। वो पहला लेसन है कि अगर हम एक वीक लिंक हुआ तो पूरी की पूरी टुकड़ी जो है वो कमजोर पड़ गई। और ये जो फंडा है ना कि वीक लिंक है तो वो उसकी स्ट्रेंथ उतनी वो स्ट्रेंथ दिखती थी हमें, तो दिखती हम लोग उल्टे उल्टे सीधे हम दौड़ रहे हैं, हम लोग इधर उधर क्रॉलिंग कर रहे, कुछ जो जो कुछ होता था वो होते रहता था जस्ट बिकॉज दैट वन पर्सन इज लेट। एंड दैट वन पर्सन यूज्ड टू फेस सो मच ऑफ एक्चुअली क्या हार्डशिप देयर आफ्टर, तो उससे लगता था यार समय पे आओ खड़े हो जाओ वहां पे। तो हाँ, क्योंकि रगड़ा सिर्फ ट्रेनर लोग नहीं देते होंगे ना, वो तो साथ के लोग भी बाद में रगड़ा तो उसको देते ही होंगे, वो सब देते थे क्योंकि वो सब उसी सिस्टम से निकले हुए तो सर दिस इज वन पार्ट। नाउ टेल मी कोर ट्रेनिंग में क्या हो, मतलब ये तो एक हुआ आपको टब बनाने के लिए टीम क्रिएट करने के लिए, इसके अलावा क्या क्या
चीजें वहां मच मोर पे। देन दैट एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियर में था मुझे, हाँ मैंने जो ज्वाइन की थी वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच थी, तो ओके हाँ एरोनॉटिकल पार्ट तो मुझे पढ़ाया ही नहीं था ना किसी ने अभी तक, तो हाँ यीशु में तो किसी ने पढ़ाया नहीं था, तो जो हाँ एरोनॉटिक्स वाला पार्ट है वो हमें कुछ इंस्ट्रक्टर से पढ़ाया। अगेन वो ओके इंस्ट्रक्टर्स भी अगेन मैं जैसे इनके पाँव पढ़ना चाहता हूँ वैसे उन इंस्ट्रक्टर्स के भी पाँव पढ़ना चाहता हूँ। डीपी आपटे सर थे, जे एन मूर्ति, ये दोनों तो यूके में क्रैनफील्ड यूनिवर्सिटी से एमटेक करके डायरेक्टली एफटीसी में लाए गए थे ओके हमें पढ़ाने ओके के लिए, तो यू कैन इमेजिन देयर कैलिबर एंड देयर चलिए टीचिंग और पैशन था वो, तो वैसे भी आई थिंक फौजियों में पैशन जरा ज्यादा ही रहता है, वो तो देवर एपिटोम ऑफ पैशन। वो हमें जब पढ़ाते थे क्वेश्चन पेपर देते थे, क्वेश्चन पेपर के हम जो आंसर्स लिखते थे वो हमें रूम में आकर के फिर एक्चुअली समझाते थे, देखो ये बच्चों ये इनमें से 5 श्रेणी से इन्होंने एक्चुअली सबसे सही ये पेपर्स दिए, ये पेपर्स नहीं, पढ़ के सुना आप था। कह रहे हैं कि जो 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 टेस्ट हुआ, जी जैसे कई बार स्कूल वगैरह में होता है, आप ये लिखी हमारी जो कॉपीज होती है दिखाई जाती है कि भाई तुमने जी कैसा जी किया जी कैसा किया, जी तो जी आप ये कह रहे हैं कि वो ट्रेनर जी पुनित आवाज आई थिंक लिंक ब्रेक हो गई है वैसे मेरी। आई थिंक थोड़ा इंटरनेट डाउन हुआ था बीच में। हाँ, तो वो हाँ नहीं आपके कोई बात नहीं। ट्रेनर्स आपके रूम में आके बताते थे कि जी जी पांच बेस्ट कौन लोग हैं, जो जी मैं जी समझा इस थोड़ी सी जी आवाज ब्रेक के बीच जी में। अच्छा, तो सबकी कॉपी नहीं बताते थे, वो बताते थे कि पांच बेस्ट पांच कौन बेस्ट हैं बस, उनके। और वो उसपे नाम नहीं पढ़ा जाता था भाई, अच्छा हाँ नेम हाँ इज इनकॉन्सिक्वेंशियल। वो टीम बिल्डिंग अगर है तो टीम बिल्डिंग में तो नेम इज ऑलवेज इनकॉन्सिक्वेंशियल, हु टेक्स द क्रेडिट इज जस्ट नॉट ऑफ एनी कॉन्सिक्वेंस, तो पर ये बेसिकली वो पांच है बता, इन्होंने ये लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग। ओके तो यहाँ पे आपको पहुंचना है, सबको यहाँ पहुंचना है। ये तो जैसे है, वो जी एक एक वीक लिंक के कारण बाकी पूरी टीम वीक हो रही है, जी वो पांच लोग जो अच्छा कर रहे हैं, दे शुड इंस्पायर यू अदर बिल्कुल, अदर पीपल टू रीच देयर ड्रीम। और वेरी मच वेरी मच वेरी मच, सर, आज तो आप मतलब क्या, आई थिंक दिस इज द वे द होल एजुकेशन सिस्टम वर्क्स एग्जैक्टली मुझे, एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली। इसीलिए तो वो जो पैशन या उन इंस्ट्रक्टर्स के प्रति जो प्रेम जो है ना हम लोगों के बीच में, वो इसी वजह से कि दे वर रेडी टू डू एनीथिंग एक्चुअली दैट यू वांटेड। मैंने अगर बोल दिया अगर एक बार कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है क्लास में टाइम नहीं है, ही विल एंश्योर दैट ही कम्स टू आवर रूम्स आफ्टर वर्किंग आवर्स, जो क्लासेस वर्स सब बंद होगी वो आगे आएंगे, वो मॉडल उठा के ले आएंगे और सबको बुलाएंगे, ऐसा नहीं कि केवल मेरे को समझाएंगे, नहीं, नाउ आई एम आउट ऑफ दैट क्या डिस्कशन, नाउ एंटायर ग्रुप विल सिट देयर, ही विल एक्सप्लेन द एंटायर थिंग ऑल ओवर आई थिंक सर, ये लोग वो क्यों कर रहे थे, मैं शायद उसका कारण आपको बता सकता हूँ, क्योंकि वो अगेन। खाली पढ़ा नहीं रहे थे ना, खाली नहीं नहीं पढ़ा नहीं रहे, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं अगर आप कच्चे रह गए। बिल्कुल बिल्कुल मैं इसका एक छोटा सा यहाँ पे किस्सा आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जी बाकी जी सब लोगों के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। कि जी एक बार गेसू में मैं एग्जाम चल रहा था, और शायद कोई फॉर्मूला में भूल गया होगा, और मैं थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके शायद मैं किसी की कॉपी में देख रहा था कि जी बिल्कुल फॉर्मूला क्या है यार, क्योंकि वो इतने लंबे लंबे फॉर्मूले होते थे, कोई एक बिल्कुल चीज बिल्कुल देख बिल्कुल बिल्कुल सही। रहा था। और हमारे यहाँ खान सर हुआ करते गेसू में, जो इंग्लिश पढ़ाते। जी हाँ खान सर हमारे भी टीचर थे। यस हाँ, बिल्कुल तो वो मेरे पास आए और उन्होंने एक बात बोली जो मेरे दिल और ध्यान में, मेरे ध्यान में बैठ गई। उन्होंने कहा, भटनागर, क्यों पाकिस्तान को मजबूत करना चाहते। बिल्कुल एंड आई थिंक दैट वाज सच बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। वाज नहीं सच यार ए थिंग कि बिल्कुल अगर आज एक इंजीनियर टीप के 4 नंबर ज्यादा लाएगा, बिल्कुल है बिल्कुल वो कमजोर इंजीनियर पाकिस्तान की हेल्प कर रहा बिल्कुल सही है। बात है, बिल्कुल सही एंड आई बात थिंक ये तो मैं गेसू में था, जी जब आप एयरफोर्स एकेडमी में वहां पर थे, तो आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वेरी मच वेरी मच यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, अंडरस्टूड द फंडामेंटल्स, क्योंकि बिल्कुल है बिल्कुल है जी आपकी एक गलती पूरे देश के लिए जी 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 हानिकारक हो सकती है। जी जी नहीं हमें हमारा सच में सौभाग्य है उस वो जो बैच थी हमारी, इन्हें 3-4 बैचेस थी जिनको ये ऐसे इंस्ट्रक्टर्स मिले, बिकॉज इंस्ट्रक्टर्स भी बेचारे 3-3.5 साल से ज़्यादा रहते नहीं है, तो उसमें 3 मीन्स 6 बैचेस उससे ज़्यादा को वो एक्चुअली वो इंस्ट्रक्टर्स मिले नहीं होंगे, और हाँ, उन्होंने जो दैट्स क्वाइट पढ़ाया ट्रू। वो एक्चुअली वो चीज़ें आज भी हम लोगों को एक्चुअली के जहन में रहती है वैसे। तो सर, यहाँ पे और कुछ रिमार्केबल बात जो आप शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि एक के बाद एक इतनी इंसाइट्स मिल रही है कि मैं चाहता हूँ आपसे ट्रेनिंग और कुछ ले लें। हाँ में तो किससे बहुत रहते हैं, बट एंड ऑफ इट एक्चुअली क्योंकि सबसे आखिर में एक चॉइसेस पूछी जाती है,
हम लोगों ने, मैंने फाइटर्स में कहा था क्योंकि उन्होंने पूछा था फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स, कहाँ जाना चाहेंगे? तो मैंने लिख दिया था फाइटर्स, मुझे लगता था कि मैं फाइटर्स में जाना चाहता हूँ। लकीली एज अ थिंग शुड हैव बीन, एक्चुअली MiG-27 करके जो एयरक्राफ्ट उस समय 1985 में इंडक्ट हुए थे, उनमें मुझे फिर काम करने का मौका मिला। वो ओके स्क्वाड्रन तो थी हिंडन में बेस्ड। हिंडन इज अराउंड 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, गाजियाबाद में है वैसे। और वो जो एयरक्राफ्ट है वो रशिया से हमने इम्पोर्ट किया था और HL में बनाना शुरू किया था, तो ओके थोड़ा मिक्स था यानी कुछ कुछ एयरक्राफ्ट थे वो डायरेक्टली रशिया से असेंबल आए थे, कुछ एयरक्राफ्ट थे वो HTL ने असेंबल करके हमें भेजे थे। तो उस एयरक्राफ्ट से मेरी तो जर्नी मिली कहीं ना शुरू। कहीं दिल में आपके कि फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम करना, बिल्कुल ये तमन्ना वहां पे थी आपके मन में, और आपको बिल्कुल मिल गया MiG-27, और जो कि नया नया आया था, तो इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग। जी। नए तो के साथ में कुछ और किस्से भी होते हैं वो, दैट आई मस्ट ऑल्सो ओके तो एक्सप्लेन, क्योंकि नए होते हैं ये उससे टीथिंग प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा होते हैं। हिंडन में, आप हिंडन, फिर आपको हिंडन में जाना पड़ा। जी मैं हिंडन पहुंचा, लेकिन हिंडन में 2 दिन रहा। 2 दिन में ही मुझे बताया कि हिंडन का जो रनवे है दैट इज अंडर ओके रिसर्फेसिंग, तो आपको चंडीगढ़ से ऑपरेट करना पड़ेगा। मैं चंडीगढ़ शिफ्ट हुआ। चंडीगढ़ से फिर हम लोगों ने करीब 4 महीने एक्चुअली वहां से ऑपरेट किया। उस समय फिर मैंने जो टेक्निकल टाइप ट्रेनिंग स्कूल देख रहती है जहाँ पे हमको MiG-27 की फॉर्मल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि AFTC में तो कंबाइंड ट्रेनिंट्रेनिंग मिलती है, चारों फील्ड जो मैंने बताई ना, जैसे फाइटर्स है, हेलीकॉप्टर्स है, इन सबके बारे में बताया जाता है। लेकिन मुझे उस मेरे MiG-27 एयरक्राफ्ट के बारे में बताने के लिए एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग की जरूरत थी। वो उस ट्रेनिंग को 6 महीने की ड्यूरेशन में एक्चुअली चंडीगढ़ में कंडक्ट किया। तो चंडीगढ़ से स्क्वाड्रन भी ऑपरेट करी थी और चंडीगढ़ में ही मेरा ट्रेनिंग भी होने वाला था, तो थोड़ा ट्रेनिंग एडवांटेज एक्चुअली कि एटलीस्ट मैं वहीं से फिर को तो लोकेट। आपने अभी, मैंने सवाल पूछा उसके पहले, आपने कहा था कि नए होने के और भी बहुत सारी चीजें उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो जी व्हाट यू आर हिंटिंग एट सर, आई वुड जी लाइक टू नो। नहीं, मैं इश्यूज अगर मैं बताऊं, अब इश्यूज मैं इस तरह से बताता हूँ। हम लोग जब टेट्रा स्कूल से पास आउट हुए तब तक जो है स्क्वाड्रन जो है हिंडन से हाशिमारा चली गई। हाशिमारा ये जगह है भूटान बॉर्डर पे। ओके अब ये एयरक्राफ्ट डिजाइन किया है रशियंस ने, बनाया हाँ HL नासिक डिवीजन ने, लेकिन ओके उस वेदर के लिए नहीं बनाया जिस वेदर में हम लोग वहां पे हाशिमारा में ऑपरेट करते थे। वो वेदर एक्चुअली कोई ओके गर्म या ठंडा नहीं था, बट बारिश वहां बहुत होती थी। हर 6 महीने ओके बारिश होती है और कई बार इंसिडेंट, लिटरली इंसिडेंट बारिश होती है। एक बार शुरू हुई तो खत्म ही नहीं होती। आई थिंक हाशिमारा का आज भी आई थिंक रिकॉर्ड है, 24 घंटे में 25 इंच बारिश हुई। वो ओ रिकॉर्ड आज तक शायद आई थिंक IMD ने, आई थिंक किसी ने क्या तोड़ने के लिए अप्लाई भी किया नहीं होगा, तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। नहीं, कि ये जब ये इतनी बारिश होती है तो हाउ विल द एयरक्राफ्ट ऑपरेट? बिल्कुल सही है। तो एयरक्राफ्ट में भी न्यूमरस प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो पहले एयरक्राफ्ट का डिजाइन नया, उसमें इश्यूज आ रहे हैं वो नए, वो इश्यूज आर बियॉन्ड एक्चुअली आई वाज इन स्क्वाड्रन एक्चुअली इनिशियली, बट आई वाज पोस्टेड टू टेक फ्लाइट देयर आफ्टर। दिस इज द सेकंड लाइन एक्चुअली, जैसे हम स्क्वाड्रन है वो तो फ्रंट फेस है जो फाइटिंग फेस है, टेक फ्लाइट इज द वन व्हिच कंडक्ट्स एक्चुअली ऑल द पीरियोडिक सर्विसिंग्स, मेजर रिपेयर जितने होते हैं वो। और अगर हमसे रिपेयर नहीं हो रहे हो तो जो HAL या हमारे जो बेस रिपेयर डिपोज की जो टीम्स आती है उनके उनको असिस्ट करते इन रिपेयरिंग द एयरक्राफ्ट एंड ब्रिंगिंग देम ऑन लाइन। ये काम हम लोग एक्चुअली वहां पे जब हाशिमारा पहुंचे तो वी फाउंड कि मेनी एयरक्राफ्ट एक्चुअली नीडेड हेल्प फ्रॉम HAL। आई टेल यू वन पिक्यूलियर प्रॉब्लम है, अगर आप एक थोड़ा सा प्रॉब्लम, हाँ सर, अगर कुछ एग्जांपल देंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। आई माइट हैव एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू टेल यू, बट फैक्ट इज इन शॉर्ट, एक बारिश में एक छोटा सा चीज होती थी, एयरक्राफ्ट इज सपोज टू बी सील्ड सो हाँ दैट वाटर डजंट इंग्रेस इन टू एक्चुअली, है ना। लेकिन जो एयरक्राफ्ट जो HAL ने असेंबल करके हमें दिए थे उनमें कई में ये प्रॉब्लम्स मिली कि वहां से पानी सीपेज होता है। नॉट ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्या जैसे वो चू रहा है ऐसा नहीं, लेकिन पानी वो थोड़ा थोड़ा नीचे एक्चुअली अकुमुलेट होता रहता है। अक्यूमुलेशन की वजह से वहां पर एंड वहाँ पानी है, वो जो कपड़े की शीदिंग जो होती है ना इलेक्ट्रिकल कंड्यूट के ऊपर वो, और जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो है, सब मिलाकर के एक्चुअली माहौल बनता था उसमें एक्चुअली शॉर्टिंग होती थी केबल्स में या उसमें फंगस फॉर्मेशन होता था। अब ये फंगस फॉर्मेशन यू कैन इमेजिन एक्चुअली कि फंगस फॉर्मेशन हम लोग घर में देखते हैं कहीं कहीं कभार एक्चुअली वो क्या हरी हरी काई जम गई है वगैरह टाइप, इट यूज टू हैपन इवन इन एयरक्राफ्ट ऑल्सो। अब शॉर्टिंग हो रही है वो कोई बता के तो होगी नहीं, वो कभी भी हो रही है, फ्लाइंग हो रही है तब हो रही है, ग्राउंड पे सडनली चेक कर रहे हैं, चेक में ठीक आ रहा है, लेकिन आज जैसे ही स्टार्ट हुआ सडनली एक्चुअली सिम्टम्स कुछ और आने लगे, बिल्कुल
लाइट्स ऑन ऑफ हो रहे हैं, कुछ यानी अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर ऑफ द एयरक्राफ्ट। एंड डिस्पाइट नोइंग वेरी वेल कि एयरक्राफ्ट में ये सिस्टम ऐसे काम नहीं करते जैसे बाहर में आई थिंक सिविल पे कोई गाड़ी काम करती है, वेरी वेल लेट प्रोटोकॉल्स रहते हैं उसी के हिसाब से एक्चुअली एयरक्राफ्ट सिस्टम्स काम करते हैं, बट वैसा काम करता नहीं था क्योंकि शॉर्टिंग हो रही है कई कई जगहों में। तो ये जो प्रॉब्लम जो है हम लोगों ने पहली बार एनकाउंटर किए हाशी मारा में। हम लोग इंडन में थे, इंडन में इतनी बारिश होती है, दिल्ली में बारिश ही कहाँ होती है, उसमें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। जैसे वहाँ हाशी मारा पहुंचे न्यूमरस प्रॉब्लम्स एक्चुअली, कोई कंपोनेंट है आप उसको खोलिए एक्चुअली उसको खोलिए अंदर से एक्चुअली पूरा पूरा ऐसा लगता है जैसे काई भरी हुई है उसके अंदर क्योंकि वो वहां पर रह गया बस उसी कंडीशन में है वैसे। तो एचएल की टीम्स आती रहती थी। अच्छा एचएल की टीम्स के आने का एक और सप्लाई चेन अगर आप समझे तो एचएल मैं एचएल को मैसेज दे रहा हूँ एचएल अपनी तैयारी करके कि इस जगह पे काम करना मैं आ रहा हूँ वहां पे, इट विल टेक एनी नंबर ऑफ डेज, अर्लीस्ट पॉसिबल वाज अराउंड 10 डेज। ओके 10 दिन का आप करेंगे क्या? और 10 से वो तो 10 दिन तो मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ एक्चुअली, इट यूज़ टू टेक इवन ए मंथ ऑल्सो, इट यूज़ टेक मोर देन दैट ऑल्सो। तो फिर करें क्या आप? तो वो जो एयरक्राफ्ट सर्विसेबल है उसमें से आप सब आइटम निकाले जस्ट बिकॉज दैट शॉर्टिंग हैज टेकन प्लेस, उसमें से फिर वो अच्छे वाले कंपोनेंट्स निकाल के दूसरे एयरक्राफ्ट में लगा रहे हैं उसको टेस्ट कर रहे हैं और फिर उसको एक्चुअली फ्लाइंग के लिए रेडी कर रहे हैं। तो यू यूज़ वेस्ट आवर्स ऑन दैट ऑल्सो। और ये सब वो चीजें हैं जिनकी ट्रेनिंग तो कहीं दी नहीं जाती, वो ट्रेनिंग क्या इसके बारे में तो उसको बेचारे को डिजाइनर को ही पता नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है मेरे एयरक्राफ्ट के सामने, और ट्रेनिंग की तो सपना भी नहीं आता उसको। Many a problems, but aircraft was quite rugged. And I must tell you in the same breath, Russians have made actually each and every aircraft in a very, very rugged way. Itna rugged hua karta tha, I think I'll narrate one incident. Officer the, flight lieutenant Bhate, he took the aircraft for ATIS, gaye, karib 40-50 kilometer gaye honge, to unke aircraft ki windshield pe, jiske through hum log dekhte hai samne, us windshield pe bird hit hua. तो बर्ड इट वेन से एक्चुअली वो पूरा पूरा खून उसका जो है वो विंडशील्ड के ऊपर लगा हुआ था, तो ऑब्वियसली ही कुडंट सी एनीथिंग। तो इतना विजन एक्चुअली ब्लॉक था कि जो साइड की जो ये रहती है जो कांच रहती है उसमें से देख करके ही लैंडेड देयर का, तो कमेंडेबल जॉब एक्चुअली इन गेटिंग इट बैक, बट ही डिडंट रिपोर्ट एनीथिंग अदर देन दैट, ही सेड कि बर्ड इट हुआ है, तो ऑब्वियसली अब एयर टेस्ट तो छोड़िए, आई कुडंट डू एनीथिंग। तो हम लोगों ने एयरक्राफ्ट जैसे ही रिसीव किया एंड वी सेड यार स्प्लैश है ज्यादा है तो खून वगैरह ज्यादा लगा हुआ है, तो वो एयर इंटेक की तरफ भी गया हुआ है तो थोड़ा सा अंदर भी देख लेते। वी वर सरप्राइज टू सी ऑलमोस्ट एवरी ब्लेड ऑफ द इंजिन वाज डैमेज्ड, एवरी ब्लेड। एंड टू टॉप इट ऑल एक्चुअली वो पायलट को पता भी नहीं पड़ा कि ऐसा कुछ हुआ है, यू ही डिडंट रिपोर्ट एनी एबनॉर्मलिटी, ही जस्ट डिडंट फील एनीथिंग कि ऐसा कुछ हुआ भी है। उस इंजन के सारे ब्लेड एक्चुअली प्राइमरी डैमेज बर्ड की वजह से होता है, सेकेंडरी डैमेज उसके डैमेज जो डैमेज पार्ट है दे कॉज इट, तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी डैमेजेस इतना हुआ है कि दैट इंजन हैज़ टू टेकन आउट इन एनी केस। उसको जब हमने फिर उसको बुलाया, वो पायलट थे जो बाटे उनको बुलाया कि बाटे सर देखिए ये क्या चीज है, वो ये ऑल्सो एक्चुअली शुकी सर इसलिए यार ये मैं चला कैसे रहा था, कैसे रहा था? छोटा सा स्पाइक था बाकी एवरीथिंग वाज नॉर्मल। तो व्हिच आल्सो टेल्स अस कि एक इंजीनियर को कितना परसेप्टिव होना चाहिए। वी वर्क ऑन आई थिंक मोस्ट मेंटेनेंस हेवी मशीन्स इन द इंडियन एयरफोर्स, वी सेड विद प्राइड के जो पायलट से वो दे फ्लोन द क्या मोस्ट डिमांडिंग एक्चुअली एयरक्राफ्ट, एंड जो इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस है दे वर्क ऑन मोस्ट आई विल से डिमांडिंग एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस वाइज। तो सर आपने ये भी बोला मुझे कि इतनी बारिश वहां थी, वेदर बहुत खराब था, तो इससे आप लोग वहां जो रहते थे उन लोगों को भी तो ये थे तकलीफ ये हुई कि बारिश का पानी अंदर भी हो जाता था, टाई जम जाती थी जी। ये तो बात हुई काम की, पर आप लोग जो वहां रहते हमारा बॉन्ड जो है ना उससे बेहतर बॉन्ड कभी आज तक जिंदगी में बनानी है। उस समय के जो हमारे फ्रेंड्स है ना आज भी, मैं अगेन उनमें से भी कुछ का नाम लूंगा, फतेह रहमान वाज माय रूममेट एक्चुअली इन माय स्टूडेंट डेज एंड देयरआफ्टर वी वर वर्किंग टुगेदर इन द सेम हाशिमारा, वो पवन सालिकर, आशीष दुरे, अनफॉर्चुनेटली नो मोर,
सोमैया, एस कुमार, प्रभु, ये सब लोग एक्चुअली नाम तो अब क्या जुबान पे इसलिए है क्योंकि वो इधर से निकल रहे, तो वो दिमाग लगाने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती। इन लोगों से जो बॉन्डिंग बनाया है दैट अगेन इज लाइफ लॉन्ग। वो क्योंकि वो जो 4 साल हम लोगों ने गुजारे वो देवर टफेस्ट एक्चुअली, कि हर दिन आप एक नया प्रॉब्लम फेस कर रहे हो फॉर विच यू डोंट हैव एनी तो रिटर्न। मुझे 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 एक चीज, मुझे एक चीज और बताइए, हम सब लोगों की समझ के लिए, आपने कहा टफेस्ट, जी तो क्या मुझे कैन यू टेल मी कि आपका दिन कैसा जाता था, मतलब कब शुरू होता था, कब खत्म होता था? टिपिकली स्क्वाडन का जो ये रहता है ना डे, डे सो हाँ स्टार्टेड अराउंड 4:30 और सो इन द मॉर्निंग, क्योंकि इंजीनियर्स दोज डेज वर सपोज टू बी द फर्स्ट वंस टू बी देयर इन द स्क्वाडन एंड ओके लास्ट वंस टू पैक अप। तो अगर ओके नाइट फ्लाइंग वगैरह हो रही है तो नाइट फ्लाइंग होते होते खत्म होते होते करीब 10, 10:30, 11 बजते थे, ओके, तो 4:30 से रात को 11 बजे वो तक। जो चार घंटे की लेकिन चार लेकिन घंटे के वो काम नियम आई, इसलिए बिल्कुल काम आई, ओके बिल्कुल काम आई, बिल्कुल ओके काम आई, क्योंकि उसमें नहीं, उसमें एक वो पावर नैप मिलता था। आई थिंक ये पावर नैप वाला वर्ड जो वर्ड है ना वो भी शायद हम लोगों से आपने सिविक वर्ल्ड ने दिया हुआ है, दैट पावर नैप ऑल्सो यूज टू बी देयर एक्चुअली। आफ्टरनून में हमें कुछ एक समय मिल जाता था करीब में भी 2 घंटे या 2.5 घंटे का, जिसमें लंच होता था, लंच के बाद में तुरंत पावर नैप एंड देन वी रश बैक टू स्क्वाडन अगेन। तो वो एक जो स्टार्टिंग का जो एक एक्चुअली किस्सा था, टिक पॉइंट में आके थोड़ा सा एक्चुअली वो एक मॉडरेटेड ये रहता था, उस समय रात तक ही काम चलता था, यानी मे बी 7-8 बजे तक ही चलता था वैसे, दैट यूज टू बी रूटीन। इट यूज टू स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग एट अराउंड मे बी 7 o'clock, तो 7 to 7:30 और 8 o'clock इन द इवनिंग वैसे वो काम चलता था। बट वो टीम था वो एक्चुअली, इट वॉज नेवर ए डल डे, नेवर ए डे वेन यू आर वर्किंग अलोन, नोबडी टू टॉक टू, आप अपने एक स्क्रीन पे बैठे हुए हो, ये जो आजकल का जो कुछ माहौल होता है ना उस बिल्कुल नहीं था। तो देयर क्या बी कहीं ना कहीं, ऑलवेज यूज़ टू बी समबडी सीनियर टू गाइड यू फर्स्ट, क्योंकि हम लोग बहुत जूनियर थे, तो ऑब्वियसली देयर वाज समबडी और द अदर एट सीनियर लेवल हु इज गाइडिंग अस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट, और ही विल शो द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट। और कलीग अगेन फतेह रहमान एंड पवन सालिकर एंड लाइक्स एक्चुअली आशीष दुरिया, ये लोग थे हमारे कलीग्स थे। और नहीं अगर है तो टेक्नीशियंस है, बेस्ट ऑफ द टेक्नीशियंस, वो भी टेक्नीशियंस आर द एयरमैन हु एक्चुअली 10वीं और 12वीं के बाद में जो एक्चुअली एयरफोर्स ज्वाइन करते डायरेक्टली एज ए टेक्नीशियन, तो दे आर नॉट इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बट दे आर नो लेसर, इनफैक्ट मेनी ऑफ देम हैव टॉट अस एज मच एज अवर ऑफिसर इंस्ट्रक्टर्स, उनसे भी मेरे ख्याल से कुछ ने तो हमें ज्यादा ही पढ़ाया होगा, सिखाया होगा, क्योंकि वो डेडिकेटेड लॉट था। एक हमारे एमडब्ल्यू चंद्रशेखर थे, मास्टर वार्ड ऑफिसर चंद्रशेखर, मेरा भी नाम जो है चारुदत्त चंद्रशेखर प्राणी है, उनको बोलता भी था कि चंद्रशेखर एमडब्ल्यू साहब आप तो मेरे वैसे भी बाप है नेम से ही नहीं नॉलेज में भी मेरे बाप है, आप बताइए एक्चुअली हाउ हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दैट, क्योंकि इनिशियली ऑब्वियसली यू आर जूनियर मोस्ट एक्सपीरियंस वाइज बट सीनियर मोस्ट पोजिशन वाइज। तो ये तो बड़ी पिकुलर सी चीज है, आप जो साइन करेंगे उस डायरेक्शन में फौज जाएगी, लेकिन फौज को जाने की डायरेक्शन आप दे ही नहीं पा रहे क्योंकि आपको खुद को ही समझ में नहीं आ रही। तो दीज आर द पर्सन हु हेल्प यू, मास्टर वारंट ऑफिसर्स आर देयर, वारंट ऑफिसर्स आर देयर, जूनियर वारंट ऑफिसर्स आर देयर, दे विल गाइड यू एंड दे गाइडेड अस वेरी वेल, दैट इज व्हाट वी आर एक्चुअली। आज जो अगर हम जो कुछ है वो उनका एक बहुत बड़ा मोल्डिंग में उनका बहुत बड़ा एक्चुअली हाथ है। तो सर मैं जो आपसे सुन रहा हूँ लगातार, और आप जिस तरह से लोगों के नाम बता रहे हो, कह रहे हैं मुंह से नहीं आ रहे दिल से, मुझे लगता है ये टीम, एज ए टीम काम करने की जो भावना है ये सेना ने बहुत कूट कूट कर भरी है, और शायद माहौल भी ऐसा होता है जब आप एक्सट्रीम कंडीशन में काम करते हैं जी, कि बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी बन जाती ऑल अलोंग, ऑल अलोंग। मैं तो इनफैक्ट डे आई रिटायर्ड दैट डे आल्सो आई स्पोक ऑफ द सेम थिंग, मतलब मेरे लिए केवल एक टीम थी, आई वाज अ पार्ट ऑफ द टीम, समटाइम्स आई वाज मे बी लीडिंग द टीम जस्ट बिकॉज़ माय रैंक एक्चुअली परमिटेड मी सो, बट अदरवाइज एक्चुअली इट वाज ऑलवेज अ टीम व्हिच वाज वर्किंग। सो यू आर यू लर्न टू बी अ टीम पर्सन, एंड आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी वेरी यूजफुल इन बिजनेस आल्सो। बिल्कुल है, मतलब अगर हमारे कुछ एंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ बिजनेस लीडर्स यहां पर हैं, आई थिंक दिस इज व्हाट मेक्स यू परफॉर्म एवरी डे, क्योंकि वहां पे गलती करने की तो कोई आपको इजाजत नहीं, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं, बिल्कुल चांस नहीं है। तो सर ये सब इस माहौल में आपकी इनिशियल, मतलब एक तरह से पहली ट्रेनिंग हुई, पहला जॉब हुआ, इसके बाद आपका टफेस्ट जॉब और कौन सा था? नहीं, मेरी मेरी शादी भी उसी जगह पे हुई बाय द वे, तो माय वाइफ आल्सो फेस सिमिलर प्रॉब्लम्स, क्योंकि सप्लाई चेन अगर वहां पे स्पेयर्स नहीं ला रही है तो सप्लाई चेन में सब्जी भी नहीं आती थी,
वो बिना सब्जी के आप क्या एक्चुअली बनाएंगे घर पे, वो एक्चुअली इश्यूज भी उन्होंने वैसे एक्चुअली फेस, बट शी फेस फेस देम वेरी वेरी वेल एंड दैट इज व्हाई आई एम एक्चुअली वेरी क्या आई एम आल्सो प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने अन्नपूर्णा का जो एक वो हाथ रहता है ना वो एक्चुअली ताउम्र एक्चुअली निभाया। आगे मैं उसको बोलते समय ये बोलता हूँ कि आप अन्नपूर्णा ही है क्योंकि उस कंडीशन में जिस कंडीशन में राशन ही नहीं आते थे, सब्जी हफ्ते में एक बार केवल आती थी, वो जो हार्ट लगता था उसमें हाउ डू यू मैनेज, हमारे पास फ्रिज भी नहीं था पहले, बट वी मैनेज एक्चुअली बिकॉज शी मैनेज तो वो भी कई बार मैं कई बार लोगों से जब मिलता हूँ, सैनिक लोगों से मिलता हूँ अलग अलग संदर्भों में, चर्चा में यहाँ पे नहीं करूंगा, तो वो यही कहते हैं कि सैनिक अकेला नहीं लड़ता, कभी नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो उसके जी साथ जी 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 एक टीम जो दिखती है ना वो तो वर्किंग प्लेस पे एक छोटी सी दिखती है, लेकिन जो पीछे भी एक फौज जो रहती है ना वो एक्चुअली बहुत बहुत अच्छी वाली रहती है, तो लेडीज आर ए वेरी बिग पार्ट एक्चुअली। तो सर अब मुझे ये बताइए कि इसके बाद जो टफ आपके असाइनमेंट रहे, कुछ एक दो असाइनमेंट और उसमें हम क्या सीख सकते हैं, वो बताइए। मेरे असाइनमेंट इमीडिएटली आफ्टर हजमर आई वाज पोस्टेड एज इंस्ट्रक्टर इन टेट्रा स्कूल, सेम टेट्रा स्कूल जिसको जिसने मुझे करीब 4 साल पहले एक्चुअली पढ़ाया था, उसमें मैं एज ए जूनियर इंस्ट्रक्टर जो वहां पे एज ए ट्रेनर में वहां पहुंचा, तो देन आई फाउंड एक्चुअली कि मेरे लिए पढ़ने के लिए बहुत कुछ समय मिला मुझे एक्चुअली, पढ़ करके फिर मैं एक्चुअली सिखाने के लिए मैं वेपन सिस्टम लेता था तो और हमारा ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट है तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग एक्चुअली लगता था कि मिसाइल्स कैसे लगती है, बॉम्ब्स कैसे लगते हैं, मैंने जो स्क्वाडन में देखा है केवल वो करते हुए देखा है किसी को, उसमें एक्चुअली वो सिस्टम काम कैसे करता है, अंदर क्या होता है, सब कुछ एक्चुअली अच्छा अच्छा खासा पढ़ने को मिला और फिर पढ़ करके पढ़ाने को मिला दैट वाज करीब 2.5 साल का वो मुझे हमारा टेन्योर था। उसके बाद में देन आई वाज पोस्टेड एज सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर ऑफ ए फाइटर स्क्वाडन दैट वाज इन जामनगर, जामनगर में वो स्क्वाडन MiG-21 उस समय भी बाय द वे हम आई थिंक वो एक नोशन जो रहता है MiG-20 उसमें उस समय एक्चुअली पीछे छोड़ करके उनको नंबर प्लेट करके और हमारी स्क्वाडन MiG-27 पे कन्वर्ट हुई, तो वो स्क्वाडन जो है वो MiG-27 की स्क्वाडन के कन्वर्जन में मुझे वहां पे लाया गया, मेरे साथ में 3 और साथी थे इंजीनियर और पायलट्स, तो पायलट का जो कॉम्प्लीमेंट रहता है वो एक्चुअली रहता है ये 16 से 20 डिपेंडिंग ऑन एक्चुअली टाइप ऑफ द एयरक्राफ्ट, तो वो पायलट से हम 4 इंजीनियर थे, एक लॉजिस्टिशियन था और एक मेडिकल ऑफिसर, ऐसे हमारी एक्चुअली पूरा का पूरा टीम थी। तो सर ये बताइए कि अब सीनियर पोजीशन में आप आ गए हैं, तो मुझे बताइए कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है एक इंजीनियर की सेना में जी, सो दैट अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं सेना में जाता हूँ जी, आजकल तो जाती हूँ भी बोल सकता हूँ, जाती हूँ ही है ज्यादा, आप बिल्कुल ये रखिएगा। अच्छा, और बाय द वे लड़कियां फाइटर स्क्वाड्रन्स में भी एक्चुअली काम कर रही, नॉट ओनली एज अ पायलट आल्सो एज एन इंजीनियर, ओके ग्रेट, तो एवरीवन कैन गो ओपन टू एवरीवन एक्चुअली, एवरीवन ओके, तो ये बताइए तो एक इंजीनियर जो जी उसका रोल क्या है, वो कितना इम्पोर्टेंट है इस पूरे संदर्भ स्क्वाड्रन में या टेक फ्लाइट में, ये जो फर्स्ट और सेकंड लाइन है रिस्पेक्टिवली इनमें जो मेन, बिकॉज दे आर स्टेशन एट अ पर्टिकुलर बेस, इनका मेन एम जो रहता है वो ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट फ्लाइंग के लिए अवेलेबल करना, इन्हें सर्विसेबल स्टेट रहता है विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज ऑन सेफ्टी, आप बिना चेक्स किए एयरक्राफ्ट को पास आउट कर रहे हैं वो तो गलत बात, दैट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो बिकॉज वो अदरवाइज तो या तो बिल्ट इन टेस्ट में या एक्चुअली व्हेन यू पुट इट टू ऑपरेशनल यूज वो ऑब्वियसली पता पड़ ही जाएगा कि ये गलती हुई है, ये आपने चेक किया ही नहीं था, वैसे ही दे दिया, दैट इज वन पार्ट, एयरक्राफ्ट इज अनफॉरगिविंग एक्चुअली दैट वे। सेकंड इज एक्चुअली जो एयरक्राफ्ट जितने भी रेक्टिफिकेशन या पीरियडिक सर्विसिंग्स के लिए आए हुए हैं उनमें जो शेड्यूल्स जो हमारे वेरी वेल लेड डाउन एक्चुअली एंड दे गेट अपडेटेड एक्चुअली वेरी नाउ एंड देन, बिकॉज जो जो इंप्रूवमेंट्स या जो जो स्नैक्स आते हैं उसमें से जो हमें सीखने को मिलता है वो इमीडिएटली एक्चुअली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द शेड्यूल्स, शेड्यूल्स के हिसाब से वो सर्विसिंग्स बराबर हो रही है या नहीं हो रही है ये देखना, ठीक है, तो यू आर सुपरवाइजिंग राइट फ्रॉम डे वन वेदर द एंटायर कंडक्ट ऑफ टेक्निकल एक्टिविटीज इंजीनियरिंग एक्टिविटीज इज गोइंग ऑन करेक्टली और नॉट, यू आर ऑल्सो वर्किंग एज ए interface between the squadron or tech flight and the supply chain, entire supply chain logistics is the face of it actually at a base,
एक लॉजिस्टिक सेक्शन करके होता है या फॉरवर्ड सप्लायर सिस्टम में एक्चुअली FSS करके एक स्टोर रहता है, उस स्टोर को वहाँ से आइटम्स मुझे लेने हैं, उनको यूज करना है और एक्चुअली फिर मेरी जो डिमांड है वो मुझे आगे करने की है। तो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट इज माई प्राइमरी जॉब। जितने उसमें पायलट्स है उनको ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली ऑपरेशनली ओरिएंट किया जाए और उस ऑप्स रोल के लिए तैयार किया जाए जिसके लिए ये एयरक्राफ्ट या ये स्क्वाड्रन को एक्चुअली नॉमिनेट किया गया। तो जैसे नाइट स्ट्राइक स्क्वाड्रन है, नाइट स्ट्राइक में व्हाट एक्चुअली की पायलट पहले डे में एक्चुअली पूरी फ्लाइंग अपनी कंप्लीट करेगा, उसके बाद फिर नाइट में फ्लाइंग कंप्लीट करेगा, उसके बाद में नाइट में स्ट्राइक करने की भी कैपेबिलिटी रखेगा। तो अब ये नाइट स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगर उस स्क्वाड्रन की एक्चुअली मेंटेन करनी, इसका मतलब क्या है, आपको किसी भी यानी रोल कोई भी हो उस रोल में एज ए इंजीनियर आपका रोल ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा एयरक्राफ्ट सर्विसेबल कंडीशन में टारमैक पर है। तो आपके पास में अगर से 16 एयरक्राफ्ट है और आप उनमें से कम 8 एयरक्राफ्ट भी एटलीस्ट अगर टारमैक पे रख सके, इसका मतलब उस एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन की जो सर्विसिबिलिटी वो है 50%, हाफ जो एयरक्राफ्ट अवेलेबल। आप उसको अगर इंक्रीज कर दे और आप 12 एयरक्राफ्ट एक्चुअली एट ए टाइम एक्चुअली अवेलेबल कर दे तो आपकी सर्विसिबिलिटी हो जाएगी 75%। बट यू कैन नॉट मेंटेन दैट बिकॉज रशियन एयरक्राफ्ट स्पेशली जो वेस्टर्न एयरक्राफ्ट है उनमें भी यही थोड़ा सा एक्चुअली ज्यादा कम इसमें एक्चुअली देखने को मिलता है। बट रशियन एयरक्राफ्ट में तो ये है कि दे आर क्वाइट मेंटेनेंस हेवी, उनकी जो पीरियडिक सर्विसिंग वगैरह है वो एक्चुअली बार बार आपको करनी ही करनी पड़ती है। स्नैक्स जो आ रहे हैं नए नए, आप जैसे हमने वो जो क्या टीरिंग इश्यूज जैसे बताया वैसे एक्चुअली बाद में भी एक्चुअली प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट। यू हैव टेकन द एयरक्राफ्ट अप इन एयर एज ए पायलट बट यू फाइंड सम सिस्टम्स आर नॉट वर्किंग, तो आपका मिशन शायद कंप्लीट हो गया लेकिन जो साइड इश्यूज है वो एक्चुअली दे आर देयर एट द बैक ऑफ योर माइंड, या हो सकता है वो मिशन ही कंप्लीट नहीं हुआ बिकॉज आपका जैसे रडार ही काम नहीं कर रहा है या एक पर्टिकुलर सिस्टम जिसको आप एम्प्लॉय करना चाहते थे वो एक्चुअली सिस्टम एम्प्लॉय करने के पहले ही वो एक्चुअली सिस्टम पैक्ड है। तो द पायलट विल कम बैक एंड रिपोर्ट ए अनसर्विसिबिलिटी। अनसर्विसिबिलिटी इन आवर टर्म्स इज कॉल्ड ए स्नैग। एंड द स्नैग इज देन रेक्टिफाइड। तो स्नैग रेक्टिफिकेशन, तो फर्स्ट इज एक्चुअली स्नैग। उस स्नैग के लिए एक डिजाइनर ने अपना एक ऑलरेडी एक्चुअली ही नोज कि ऐसा कुछ इशू आ सकता है तो ही मेक समथिंग कॉल्ड ए स्नैक ट्री। स्नैक ट्री में ऐसे है कि आप जैसे फिशबोन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वही कॉन्सेप्ट है कि आप दिस पॉइंट एक्चुअली इफ दिस इज सर्विसेबल देन गो टू नेक्स्ट वन टिल यू गेट द प्रॉब्लम एंड देन एक्चुअली टेक केयर ऑफ द मिटिगेटिंग एक्शन टू सॉल्व द इशू। तो ये एक पार्ट हुआ। उसी में एक्चुअली ऐसा भी हो सकता है कि ये स्नैक कभी किसी ने एनकाउंटर ही नहीं किया हुआ है। So then you will come across, actually you will now, you will invent a tree then. Okay. So you will immediately note down that particular thing and that is recorded by a center called Maintenance Control Center and recorded back to a central organization called CSDO. मैंने ये भी snack tree accordingly. तो मैंने ये पढ़ा है कहीं से कि जो checklist होती है बहुत important होती है pilots के लिए और maintenance के लिए actually. What is the role of that? क्यों आप जो बोल रहे हैं कि वो फिर ट्री आप बनानी पड़ती है, तो कभी भी कोई स्नेक आया उसकी एक ट्रबल शूटिंग की ट्री आप बनाएंगे, it will become part of the whole maintenance system? Exactly. Because if I am learning something new, I must pass it on to the next batch, so that they don't face the same problem and start inventing the things again. I think ये सब सर जो है ना जो आपने शुरू में बोला कि मैनेजमेंट वालों ने बहुत सारी चीजें हमसे ली, I think this is another thing that must be taken into practice. I think ये प्रैक्टिस में आना चाहिए। जी जी जी। इस तरह का डॉक्यूमेंटेशन लगातार चलता रहे। कई बार लोगों का पास एक्सपीरियंस होता है, तकलीफ आती है, लेकिन आई थिंक इट्स नेवर गेट डॉक्यूमेंटेड। इसमें बहुत सारी चीजें लिखी ही नहीं है। हाउ डू वी गो अबाउट, वी वेंट अबाउट दिस एंटायर एयरफोर्स, नॉट वी मीन्स नॉट मी, एयरफोर्स वेंट अबाउट एक्चुअली मेकिंग इट दिस वे। सीएसडीओ करके एक ऑर्गेनाइजेशन बताया जिसने सर्विसिंग स्कोप एक्चुअली स्ट्रीमलाइन और स्टैंडर्डाइज करने का काम किया।
एंड दैट इंक्लूडेड एनीथिंग दैट हैपेंड ऑन द एयरक्राफ्ट, यू विल इमीडिएटली कम टू नो कि यार ये पर्टिकुलर अगर प्रॉब्लम आया तो दिस आल्सो कुड बी अनदर रीजन कैंडी चेक आल्सो एंड दैट इज ऑल द सर्विसिंग एक्चुअली पूरा हुआ है। तो यहां पर सर मैं एक मिनट थोड़ा पॉज लेता हूं और जितने भी हमारे दोस्त हैं उनसे कहना चाहता हूं कि सर जो बात करें, जो मैं चेकलिस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, देयर इज अ बुक कॉल्ड द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो जो काफी बात करती है कि पायलट्स किस तरह काम करते हैं, चेकलिस्ट को यूज करते हैं और उसका यूज किस तरह से हॉस्पिटल्स में होता है, रियल एस्टेट में होता है। आई वुड रिकमेंड कि हम सबको द चेकलिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ना चाहिए। बिल्कुल तो ये मेरा एक छोटा सा नहीं यार, सो नाइस, सो नाइस। आई वांटेड टू ऐड दिस बिकॉज आज की बात में आप सब कुछ नहीं बता सकते बट पर दे कैन जी 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 डीप डाइव डीप डाउन Go deep dive into this. तो सर अभी कुछ बताइए कि मैंने ये भी सुना कि शायद आपसे बात करते हुए पहले मुझे याद है कि ऐसे वेदर कंडीशंस में भी आप लोग काम कर रहे थे जहां पर पूरा जंगल होता है जी, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? जंगल ऐसा जंगल नहीं, नॉर्मल जंगल नहीं था। हम लोग हाशिमारा में जहाँ थे वहां उसके पास में था जल्दापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हेलो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए वैसे लोग आते हैं, हम लोग तो वाइल्ड लाइफ वैसे रोज ही देख लिया करते थे, सच बता रहा हूँ मैं। हम लोगों के घरों के पीछे जो केलों के पेड़ रहते थे उनको खाने के लिए हाथी आते थे, ओके, दर्शन होते थे। एक बार मैं और मेरी वाइफ, करीब 6 किलोमीटर का हमारा रास्ता था टेक्निकल एरिया और सॉरी डोमेस्टिक एरिया और जो मेस है उसके बीच का, उस 3 किलोमीटर में उसने 6-7 सांप देख लिए। वो बोलिए अब मन थोड़ा सा घबरा करते हैं, वापिस चलते हैं। वाइल्ड बोर, हिरण तो बहुत सारे देखे, अजगर देखे। जब भी बारिश होती थी वहां पे ज्यादा, और जल्दापारा में जब भी पानी भरता था तो ऑब्वियसली एयरपोर्ट या एयरबेस कभी भी आपने देखा होगा, एक्चुअली हायर लेवल पे होते हैं, वो सब हमारे यहाँ आ जाते थे। हम लोगों ने लेपर्ड्स भी देखा है हमारे यहाँ, मैंने वो नाम ही रहता था कि यार ये तो इसने लेपर्ड देख लिया, बस वो पोस्टिंग लेपर्ड ही होगा उसके, आई थिंक पोस्टिंग आने में शायद, क्योंकि एवरीबॉडी वाज ऑब्वियसली वो जगह थोड़ी सी रिमोट थी तो एवरीबॉडी टू गेट बैक टू। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देखिए जनरली हम जब बात करते हैं देशभक्ति की बात कर रहे हैं और हम 15 अगस्त के संदर्भ में जब बात कर रहे हैं, तब मैं इसको अंडरलाइन करना चाहता हूँ कि देशभक्ति की बात करते हैं तो हमारे सामने चेहरा आता है एक सैनिक का कि वो एक सैनिक है, वो राइफल लेकर सीमा पर खड़ा हुआ है। हम हमेशा वही बात करते हैं वही, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपनी जान वादली को लेकर बात खड़ा है, बट एट द सेम टाइम बाकी भी तमाम लोग जो हैं वो बहुत मुश्किल परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। आई जस्ट वांट टू से सैल्यूट टू यू सर, थ्रू यू आई वुड लाइक टू से सैल्यूट टू एवरीवन हु इज देयर इन द डिफेंस फोर्स एंड वर्किंग फॉर द कंट्री। मतलब मैंने, मेरा सौभाग्य है, मैं एडवर्टाइजिंग में रहा हूँ और मेरा सौभाग्य कि मैंने एक एड कैंपेन किया टाटा नमक के लिए, टाटा नमक देश का नमक, और जिसकी मेरी बेसलाइन थी मैंने देश का नमक खाया है। बिल्कुल है। तो सर हम लोगों ने तो शायद टाटा नमक खाया लेकिन आप लोगों ने सचमुच में देखो जिया भी जी खाया है जी। और पूरा देश कहीं ना कहीं उसके लिए कर्जदार है आप लोगों का। नहीं कर्जदार नहीं, कर्जदार नहीं, हम अपने अपने क्या हिस्से की जमीन लेके आए वाली बात है। वो जमीन तो एक्चुअली आखिरी वाली बात लगती है लेकिन उसकी एक्चुअली आगे की भी कहानी है कि हर एक अपना अपनी तरह से एक्चुअली देशभक्ति का ये बात भी सही है कि अगर हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी जी, वो जहाँ पर है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान को मजबूत कर रहा है। बिल्कुल है, बिल्कुल। और जब भी, अगर मैं खान सर की भाषा में बोलूँ तो जब भी हम लेजीनेस दिखा रहे हैं या कोई शॉर्टकट अपना रहे हैं हम पाकिस्तान को और चाइना को मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे रूप में हम सब भी सिपाही तो हैं जी, सिपाही अगर हम वो समझ सकें जी देश के रूप में तो शायद हम बहुत मजबूत होके उभरेंगे जी। बट आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, आप जंगल में सुबह 4:30 बजे उठ रहे हो, 10-11 बजे तक काम कर रहे हो, कभी क्राइसिस आ गया तो आप रात भर बैठ के भी आपको काम करना है, वो तो पार्ट ऑफ द गेम है। तो इसमें देखने के दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो ये कि यार बहुत मुश्किल जिंदगी है, बहुत से सुनने वाले कहेंगे कि
बहुत मुश्किल जिंदगी है, मैं तो डिफेंस में नहीं जा रहा था। लेकिन बहुत नहीं सारे नहीं लोगों को नहीं शायद, बहुत सारे लोगों को शायद डिफेंस की ये जिंदगी भी अट्रैक्ट करती होगी। मेरे ख्याल से मुझे तो कोई ऐसा मिला नहीं जो बोले कि यार ये ऐसी लाइफ बकवास है, ये नहीं होना चाहिए। मुझे आपके साथ में बैठ के मजा नहीं आ रहा है, मुझे आपके मीन्स नॉट मेरे बट हाँ, ग्रुप में बैठ के मजा नहीं आ रहा, मैं छोड़ना चाहता हूँ। नो, मुझे तो ऐसा मिला नहीं। तो दैट कहीं इज ना कहीं वहां पे मतलब सबको मजा आ रहा है, मतलब सब लोग लगे हुए जज्बा हैं। बहुत अलग रहता है, जज्बा बहुत अलग रहता है। मैं आई कैन वेरी वेल टेल, आप लोग जो सिविल में काम कर रहे हैं ना, मैं रिटायरमेंट के बाद में अब देखता हूँ एक्चुअली सिविल में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मुझे अब लगता है कि यार आप लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, ओके ये प्रॉब्लम ओके हमारे लिए नहीं रहती है, दिस प्रॉब्लम्स आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। तो इस वजह से हमें ये सब चीजें एक्चुअली आई थिंक इन चीजों की तरफ ध्यान देने का, वैसे भी AFTC में वो सिखा ही दिया जाता है कि ये सब दीज आर ऑल ट्रिवियल इश्यूज, ओके okay. घर में अगर पानी नहीं है इट ऑल्सो इज ए ट्रिवियल इश्यू बिकॉज वो कभी ना कभी तो आ ही जाएगा, एंड देयर इज सम टीम व्हिच इज वर्किंग ऑन इट एक्चुअली इट विल गेट इट, उसमें क्या है, बिल्कुल ऐसी कोई बिल्कुल चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप अपना वो लाइट गए नहीं कि आपने तो फोन करना शुरू किया, हंगामा शुरू कर दिया, सड़क पे आ गए, ये करे वो करे, वो फिर सब लोग एक्चुअली सड़क पे ही मिलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए शायद ज्यादा लोग नहीं मिल पाते। ये जो केवार जो चल सर रहा है लाइफ में, सर ये मिलिट्री में नहीं होता, सर एक ये बहुत मिलिट्री में। इम्पोर्टेंट चीज आपने, बहुत इम्पोर्टेंट चीज बोली, मेरे लिए सीखने की बात है। और प्लीज नहीं, हमको लगातार ही समझना चाहिए, अभी बस भी अवेयर कि क्या ट्रिवियल है और क्या कोर है, मतलब किस चीज बिल्कुल की। तो बिल्कुल कई बार ट्रिवियल इश्यूज आते रहते हैं और जी मेरे ख्याल से दिक्कतें आती है, लेकिन उसको छोड़ के अपना जो मूल काम है उसके ऊपर ध्यान देना, आई थिंक दैट जी 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 इज अदर थिंग दैट वी ऑल कैन लर्न फ्रॉम द कोर्सेस। जी तो बहुत सारे लोग हैं सर, यहाँ पे ड्रोनकर सर है जो कह रहे हैं कि आज बहुत वर्षों बाद हाँ महेंद्र जा, धोड़कर जी, हाँ चारों से बात उनका पूरा नाम तो करेंगे नहीं है लेकिन उन्होंने लिखा है, तो उनका महेंद्र धोड़कर मैसेज आप तक पहुंचा रहा हूँ। तो कि आज जी। बहुत सालों बाद, और शायद आप जेसू की किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए नहीं है, तो मेरे पास में व्हाट्सएप नहीं है और नहीं मुझे है। कोर्सेज हाँ, में ये कंपल्शन भी था कि मैं कई वही कोर्सेस के दोस्त हमारे, इसलिए मैं बताऊं आज पहली बार मतलब उस तरफ टेबल के उस तरफ, क्योंकि मैंने कहा अप्रतुल शुक्ला कई बार हमारे साथ जुड़े हैं लेकिन एक स्पीकर के रूप में कोर्सेज से आप पहली बार आज हमारे साथ जुड़े हैं, जी क्योंकि वो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके जी कारण लोग जी जुड़ नहीं पाते। जी तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ आशीष त्रिपाठी हैं जो कह रहे हैं कि वो HAL में काम करते थे और कहीं ना कहीं वो, और आप जो बात कर रहे हैं वो आपस में बहुत जुड़ी बिल्कुल। हुई है। अरे वो टीम हमारी, आज मैं आपको विश्वास नहीं होगा, 10 दिन हाँ पहले उनमें से 3 लोग जो हम लोग हाशिमार में एक साथ में काम किए थे, एचएल के लोग हैं ये लोग, रेज होकर के उनकी जो लेवल से वो बढ़ करके एक्चुअली AGM, तीनों AGM बनकर के रिटायर हुए। मोने अपना मोने सर, खपली सर, जूनियर खपली सर, वो दो खपली थे, दोनों भाई भाई थे, जो सीनियर और जूनियर खपली सर थे, देसाई सर, अभी मैं मिला हूँ उनसे। तो हमारा बॉन्ड तो वो अब जिंदगी भर का बॉन्ड, क्योंकि वो जगह ही ऐसी थी और वो हेल्प ही ऐसी थी, क्योंकि उन्होंने जो हेल्प की उसके बिना तो एयरक्राफ्ट उड़ना ही नहीं था। तो ये भी सर बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से एक्सट्रीम कंडीशंस में हम जब साथ रहते हैं ना, तो वो बॉन्ड बिल्कुल जो होता है वो बहुत बिल्कुल बिल्कुल बहुत पक्का बॉन्ड होता बिल्कुल, है। फिर अब वो यहाँ पे, एंजॉय रहने का भी मजा आता है। अब दो चीजें हैं जिसका, जिसकी बात, दो तीन चीजें हैं जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ। घड़ी भी अपनी रफ्तार से दोस्त होती है, बट दो तीन चीजें बात करना बहुत जरूरी है। तो पहली बात तो यह है कि ये जो अपने कॉलेज में जो प्लेन आया है और जो वह शान से वहां खड़ा हुआ है, वो ये मन में आपके कैसे आया कि अपने कॉलेज में एक प्लेन ले जाकर रखना चाहिए? एक्चुअली मैं ना एज ए विंग कमांडर मैं एयर हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड था। एयर हेडक्वार्टर्स इज डिसीजन मेकिंग बॉडी, और फाइटर्स एयरक्राफ्ट हमारे जो एयरक्राफ्ट डाउनग्रेड हो जाते हैं या किसी एक्सीडेंट की वजह से एक्चुअली आउट ऑफ सर्विस हो जाते हैं, तो उनका एक्चुअली डिस्पोजल भी फिर वो वहाँ पर ही डिसाइड होता है। डिसाइड करने वाले लोग भी हमारे में से ही लोग कुछ थे जो एक्चुअली, एंड मेरे से सीनियर थे ऑफकोर्स, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग वाले लोग वहीं पे थे। तो उनसे जब वो एक एक दो बार मिलना हुआ और बातें हुई, तो पता पड़ा कि देर इज ए रूलिंग विच इज अवेलेबल कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट और एनी अदर एड, ट्रेनिंग एड ही कहते थे हम लोग उसमें, तो इट कैन बी मेड अवेलेबल टू दैट इंस्टीट्यूशन फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इवन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑल्सो बॉर्न बाय द इंडियन एयरफोर्स। तो ये बात मेरे भी जहन में बैठ गई कि यार मेरा भी तो कॉलेज गवर्नमेंट का ही कॉलेज है था,
और मेरा भी तो कॉलेज है विच डजंट हैव एन एयरक्राफ्ट एंड डिजर्व्स वन, क्योंकि हमारे एमपी से तो बच्चे आते ही नहीं है एक्चुअली एयरफोर्स में ज्यादा, क्या कर सकते हैं। तो आई वेंट थ्रू दैट, जो एएफओ हमारा एयरफोर्स ऑर्डर जो रहता है उसके वो और प्रोसीजर्स जो थे उससे उसके थ्रू एक्चुअली बात हुई, पढ़ा उसको, पढ़ पढ़ करके एक्चुअली फिर वो एक पूरा केस बनाया। केस मैंने स्थापक सर थे उसमें प्रिंसिपल, तो हाँ उनसे बात की मैंने, मैंने कहा सर ये ऐसा ऐसा एक प्रोविजन है, मैं आप ही के कॉलेज का एक स्टूडेंट बोले मैं जानता हूँ करके, तो उन्होंने कहा कि मैं क्या मुझे क्या करना होगा। मैंने कहा सर कुछ नहीं करना है, मैं ये जो जो कुछ कागजात भेज रहा हूँ इनको आप अपनी तरफ से लिख कर कर मुझे भेज दीजिएगा वापस, इफ़ यू विश टू अमेंड समथिंग ऑब्वियसली सो, बट लकीली ही डिडंट अमेंड इवन ए वर्ड एक्चुअली, वैसे वैसे एक्चुअली केस पूरा मेरे पास आया। नाउ केस वाज विद मी एंड जो जो बॉडी डिसाइड करती है वो भी हेडक्वार्टर्स में ही थी, तो आई क्या लकीली आई कुड कन्विंस द एंटायर बॉडी की दिस एरिया दिस प्लेस एक्चुअली ऑब्वियसली एमपी से ना एयरमैन जाते ना ऑफिसर्स जाते एयरफोर्स में इतनी तादाद में, तो ये केस बनता है। लकीली इट गॉट अप्रूव्ड और वो एयरक्राफ्ट जो था वो अलॉट जो हुआ वो भी हमारा एक MiG-23 MF एयरक्राफ्ट ही था जो 11BRD जहाँ पे मैं था एक साल पहले वहीं पर मैं पोस्टेड था, तो उसी उसी क्या डिपो से एक्चुअली उसको जाना था, टीम वहीं से जानी थी, वहां पर विंग कमांडर गुप्ता थे जो मैं जिनको मैं जानता था, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की सर मेरा कॉलेज है और ये, तो बोले प्राणी चिंता मत करो हो जाएगा, एंड ही इंश्योर्ड एक्चुअली विद इन ये इंश्योर नहीं है हैट्स ऑफ टू हिम एक्चुअली, मैं तो मैं हम लोग कहा ना वो आई थिंक जो गीता में हम लोग कहा जाता है आई थिंक सर हम लोग निमित्त मात्र थे, निमित्त की वजह से जो है वो विद इन वन मंथ ही इंश्योर्ड एक्चुअली। एक पूरी पूरी टीम वहां पे मैंने स्थापक सर से भी बात की थी, तो उन्होंने हमारी जो एयरफोर्स की टीम है उसको अकोमोडेशन दी, खाना पीना सब कुछ वहाँ अरेंज कराया था, और उस टीम ने करीब 11 दिनों का काम था वो लगाने का करके, 11 दिन का काम था। आओ यू इमेजिन एक्चुअली वो पूरा पूरा डिसअसेंबल्ड एयरक्राफ्ट था, प्लिंथ जस्ट तैयार थी, बस प्लिंथ तैयार थी, जो जो कुछ एक्चुअली क्या मेजरमेंट्स वगैरह जो कुछ लेने थे जैसे करने था जो भी कुछ काम करना था वो केवल उस टीम ने काम किया और वो बना के दिया, और एयरक्राफ्ट इज नाउ स्टैंडिंग एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ मी सर। मैं ये नहीं कर रहा आपको बढ़ाई दे, तो क्योंकि देखिए भले आप निमित्त थे हमारे लिए तो आप ही वहां पर थे, अगर आप वहां पर नहीं होते तो ये आज शायद वहां पर नहीं होता, और कई स्टूडेंट्स उसकी उसके जो इंजन है उसको आज भी हमारी वर्कशॉप में देख सकते हैं, मतलब जो इंटरेस्टेड है दे हैव एन अपॉर्चुनिटी जी। तो मैंने पहले बीच में ये बात की क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सबके दिल में छूट जाए जी। कुछ अब एक सवाल लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हम टफ कंडीशंस की बात करें, लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने वॉर में भी हिस्सा लिया है तो युद्ध के बारे में बताइए कि युद्ध के माहौल में क्या होता है, कैसे होता है, लोग जाने के लिए बड़ा उत्सुक है जी। और इंजीनियर का क्या रोल जी? कारगिल वॉर इज द ओनली वॉर विच वी ऑब्वियसली हमारी जनरेशन तो वही देखा है, 65 में तो मैं तो पैदा ही हुआ था, 71 में ऑब्वियसली बच्चा था, जो वॉर हम लोगों ने देखा एयरफोर्स में वो था कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में मैं पोस्टेड था एक स्क्वाडन में ही था और वहाँ का मैं सीनियर इंजीनियरिंग ऑफिसर था, दैट मीन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत थी, काम करने का एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ ऐसी होती है कि जब ऐसी ऐसी इमरजेंसीज या ऐसी एक्सीजेंसीज आती है ना जज्बा ही अलग हो जाता है। ओके मैंने मैंने खुद को नहीं देखा लेकिन मैंने बहुतों को देखा है 24 घंटे काम करते हुए, जो काम वेपन फिटर जैसे बॉम्ब को लोड करने का काम वेपन फिटर का रहता है उसको हेल्प करने के लिए दुनिया भर के लोग वहां पे बैठे हुए थे, जो नॉन टेक्नीशियन लोग थे वो भी आ करके एक्चुअली आ करके टारमेक पे आके घूम करके पूछते थे सर हमारे से कोई काम कराना हो हमें बता दीजिए, जज्बा ही कुछ अलग था उसमें। और कारगिल वॉर एक्चुअली उस समय तो जो कुछ जिस कंडीशंस की वजह से वो शुरू हुआ वो कंडीशन किसी के भी यानी आम आदमी के भी मन में चिढ़ पैदा करने वाली थी, हम लोग तो नौकरी ही उस दिन के लिए करते हैं, हमारी नौकरी उस दिन के लिए करते का क्या मतलब है? आफ्टर ऑल मुझे एम्प्लॉय एयरफोर्स ने किया, वो किस दिन के लिए किया है? हाँ ये बात इस टाइम के लिए तो ठीक है, मेरी ट्रेनिंग मैं ट्रेनिंग जो भी हुई थी इसीलिए हुई थी कि इस दिन आप परफॉर्म कर सके, परफॉर्मेंस मेरा उसी दिन देखा जाएगा, उसी दिन देखा जाएगा वे जितने मेरे से अगर मेरे पास में 16 एयरक्राफ्ट है तो 16 के 16 एक्चुअली टारमैक पे खड़े हैं या नहीं खड़े, सिंपल मेजर है, अगर खड़े है तो मैं ठीक हूँ, खड़े नहीं है तो मैं ठीक नहीं हूँ, सिंपल। और मैं उस दिन भी नहीं कर पाया तो फिर मैं किस दिन करूंगा वाली बात, सही बात है ना, तो इसलिए पूरी स्क्वाडन पूरा जोर लगा के खड़े हो गई थी वहां पे उस समय, सब
हम रात को कभी 2 बजे जाते थे, कभी रात को 4 बजे वापस आते थे। वो समय कुछ और था, जज्बा भी कुछ और वो टीम का जो पूरा जो पूरा जो माहौल था ना कुछ अलग ही था। वो माहौल उसके बाद में भी एक्चुअली हम लोग रिप्लिकेट नहीं कर पाए। हां बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से आप जो वर्ड यूज कर रहे हैं जज्बा, आई थिंक वो जज्बा लोग कई बार ऐसे ही भाषण में बोल देते हैं, पर मुझे लगता है कि वो होता है क्या, वो आपने जी 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 महसूस किया? वो एयरफोर्स के गेट के अंदर या आर्मी की यूनिट के अंदर रहता है वो, उस गेट के बाहर आई थिंक लोग शायद जान नहीं पाए। तो ये जो जज्बा जो आपने कहा कि जो बाकी लोग जो रिलेटेड नहीं है वो भी अपनी ड्यूटी के बाहर, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पर एक चीज में सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत इमिनेंट है कि क्या मौत का डर नहीं लगता है क्योंकि आप फ्रंट लाइन पर हैं? नहीं, ये तो आई थिंक अंडर एस्टिमेशन हो गया वाली बात है। आप जो जिन कारगिल वीरों के बारे में आई थिंक आपने सुना और देखा हुआ होगा, उसी की टाइप की ट्रेनिंग तो हमें भी मिली थी ना। अच्छा, वो आर्मी के थे, एयरफोर्स के लोग भी तो वहां गए थे ना। कारगिल वॉर में ही नचिकेता इजेक्ट करके वहां पे एक्चुअली कुछ हुआ था उनके साथ, है ना। वो भी हमारे एयरफोर्स के ही थे। जज्बा 1% कम नहीं होता, और मौत वोत का तो डर बिल्कुल नहीं लगता। मैं उल्टा बताता हूँ एक्चुअली कि हमारे जो बेसिस थे वो सबसे ज्यादा सेफर थे। हाँ, हमारे बेसिस को बचाने के लिए तो पूरी की पूरी एक्चुअली फौज लगी रहती कि यार इन बेसिस को बचा के रखो, क्योंकि यहीं से वो एक्चुअली जो हमारा जो ऑफिस है वो लॉन्च होने वाला है। तो हम लोग ज्यादा सेफेस्ट कंडीशंस में थे। आप एक्चुअली एक वर्ड एक अगर जाने, एयर डिफेंस करके एक जो वर्ड होता है, जिसमें जैसे आई कैन गिव वन एग्जांपल, एक एयरक्राफ्ट है जो हमारे जो एयरबेस है उसके आसपास में ही कहीं एक्चुअली फ्लाई करते रहता, कि अगर कोई एनिमी एयरक्राफ्ट आया तो यू कैन गेट ऑन टू दैट एक्चुअली एंड डिस्ट्रॉय इट। तो हमें तो डिफेंड करने के लिए इतने सारे लोग बैठे हैं, तो मुझे कैसे डर लग सकता है कि यार मुझे कुछ होने वाला है? अगर होना ही है तो किस सिविलियन को होगा कि वो वहां तक आ नहीं पाया तो अब तो मैं करूं क्या, तो बॉम्ब कहीं ना कहीं ड्रॉप करके चला जाए, वो शायद हो सकता है सिविलियन वाला एरिया हो। मेरे यहाँ डालने का तो मेरे बेस में, मेरे मिस हमारे एयरफोर्स के बेस में डालने का तो चांस ही नहीं है। फर्स्ट स्ट्राइक तो कोई भी कभी भी कर सकता है, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक रहती है, तो वो तो कभी भी कहीं पे भी हो सकती है। बट अगर फर्स्ट स्ट्राइक अपने यहाँ नहीं हुए, जैसे कारगिल वॉर में हुआ ही नहीं था वैसा, तो उसके बारे में डरने की बात ही नहीं थी। तो कहने का मतलब ये कि वो जो जज्बा है, वो जज्बा परफॉर्मेंस को ऊपर उठा देता है, ज्यादा ऊपर सब लोगों को एक साथ लेके आते हैं। आई थिंक उस वक्त तो शायद पूरे देश के अंदर ये जज्बा था कि हम एक देश के रूप में हमको लड़ना है। और उस समय एक्चुअली जोश के साथ में होश को संभालना भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अभी मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं, जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, मेरे जो सीनियर्स हैं, वो हम लोग अगर उससे 24 घंटे काम करेंगे तो अगले 24 घंटे भी तो खड़े रहना है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोर्सफुली लोगों को बताना पड़ता था कि भाई अभी आप घर जाओ, खाफी करके वापिस आओ, या अपने रूम में जाओ, जो हमारे जो सेक्शन या रूम रहते हैं वहां जाओ आराम करो और वापिस आओ। ये नहीं कि आप एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि रिक्वायरमेंट है इसलिए आप यहाँ पे खड़े रहोगे, नहीं, कोई और आएगा वो करेगा, जो शिफ्ट में आया वो करेगा एक्चुअली। अकेले आपको नहीं लड़ना है। जी 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 जी, नहीं अकेले, और मोर इम्पोर्टेंट एक्चुअली कल भी लड़ाई है, कल भी है। आई थिंक दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट सर, ये बहुत अच्छा है, मैं इसको एक चीज पे यहाँ पे नोट करना चाहूंगा, कल भी लड़ाई है। कल भी तो इसलिए जोश में आके आज होश खो बैठे तो कल कौन लड़ेगा? बिल्कुल, आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच आई विल नोट डाउन समवेयर। जी जी जी, कल भी लड़ना है। बिल्कुल, जिंदगी में हर ये आप मत सोचिए कि वो जो जज्बा ऐसा रहता है कि बस अब वो धड़ 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 गोली मारते हुए चले जाऊंगा और किसी न किसी को उड़ा दूंगा। नो, ही आल्सो प्लेसेस एक्चुअली जोश फर्स्ट, बट होश इज ऑलवेज देयर। ऐसे नहीं बस मैं ऐसे जाके खड़े हो जाऊंगा, जब मार दो मेरे को सब गोलियां, अरे तो आपको मारने के बाद वो अगले को मारेगा फिर गोली। तो लाइक ए फूल यू कैन नॉट डाई। तो आई थिंक आर्मी में ऐसी ट्रेनिंग होती है ना, एयरफोर्स में ना, नेवी में, कि आप जाके वहां ऐसे खड़े हो जाना ताकि आपको मार दे, आपको गोलियां खत्म हो जाएगी। गोलियां खत्म नहीं होने वाली है, वो एक गोली मारेगा आपको, आप खत्म, उसके बाद अगले वाले फिर गोली मारने के लिए वो खड़ा रहेगा। तो और आपका आई थिंक पूरी ट्रेनिंग इस बात की है कि आपको जोश के वक्त होश नहीं खोना है। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट आई एम गेटिंग, वो हम जो ट्रेनिंग में सीखते हैं ना कि यार 24 घंटे आपको जिंदा रहना, एक चॉकलेट मिलता था। तो अगर आपने वो जोश के साथ में वो चॉकलेट खत्म कर दिया, हो गया, थैंक यू, हो गया, अब आप 30 घंटे 59 मिनट जो है भूखे रहेंगे इसके बाद में।
उसके लॉन्च में मेरा छोटा सा योगदान रहा है। तो हमारा जो डिफेंस कॉरेस्पोंडेंट थे उन्होंने सियाचिन पे किताब भी लिखी और वो हमको सियाचिन के जब किस्से सुनाते थे रोंगटे खड़े हो जाते कि आप सब लोग वहां पर कैसे रहते हैं इस तरह से। वो किस्सा किसी भी और दिन अभी आज नहीं। तो अभी आप आपसे बात करते करते लगातार कई दिनों से आपसे बात कर रहा हूँ, एक चीज और बहुत उभर कर आ रही, वो वही जो मेरे देश का नमक खाया है वाला एक जो जज्बा है और इंजीनियर होने का एक जो जज्बा है। आप इंडियनाइजेशन के बारे में जी बहुत पैशनेट, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, तो जरा उसके बारे में कुछ बताइए ना कि किस तरह से हमारी फोर्स पर इंडियनाइजेशन की तरफ जा रही है जी और क्या क्या किया जा रहा है इस क्षेत्र में। जी see, it so happened actually in 90s, early 90s actually, USSR broke up. And we got actually so many confusing things thereafter. सप्लायर कौन है पता नहीं, वेंडर कौन है पता नहीं, सामने आके आपसे बात कौन कर रहा है पता नहीं, स्पेयर्स कब मिलेंगे पता नहीं, ये सब जो पता नहीं वाला जो किस्सा हुआ, इट गेव एक्चुअली बर्थ टू इंडिजनाइजेशन। अर्ली 90s एक्चुअली इंडिजनाइजेशन स्टार्टेड इन इंडियन एयरफोर्स। तो आत्मनिर्भर बनने की जो कोशिश थी वो एक्चुअली 90s में शुरू हुई। उससे पहले भी अगर हम बात करें तो जैसे मिट्टी सेवन अगर या सूत्र की हम HL में बनाते हैं, इट इज ए वे ऑफ मेकिंग द थिंग्स एक्चुअली बाय द कंट्री इन द कंट्री। टेक्नोलॉजी वहां की है लेकिन एटलीस्ट बना तो हम यहीं पर है। लेकिन हमारे लिए एक्चुअली मुश्किल ये हो गई थी कि उस समय स्पेयर्स ही मिलते नहीं थे। लीड टाइम इज 2 years 4 years, पता ही नहीं पड़ रहा है एक्चुअली कौन देने वाला है, कैसे देने वाला है। एंड सिंपल सीलिंग रिंग्स, रबराइज सीलिंग रिंग्स है वो नहीं मिल रही है। तो वहां पे एयरक्राफ्ट एक्चुअली डाउन है जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्मॉल लीक एंड यू हैव नो स्पेस टू रिपेयर इट। दैट इज हाउ वी स्टार्टेड एंड आई रीच एक्चुअली इलियन बीआरडी, दैट इज इलियन बेस रिपेयर डिपो, व्हिच ओवरऑल्स मिड 23s एंड मिड 29s इन 2002 एंड दैट वाज एन आई ओपनर। वहां पे जाके पता पड़ा कि इस एयरक्राफ्ट में करीब 20,000 से 25,000 पार्ट्स लगते हैं और उनमें से बहुत सारे रबराइज पार्ट्स रहते हैं जो हर ओवरऑल में फेंक दिए जाते हैं। But it is by a rule actually. Everyone follows it. World War actually is the same rule. The rubberized part is because it has actually worked for those 8-10 years जितनी आपने life दी थी, उसके बाद में तो उसको फेंकना ही है। तो you need to now remake those items actually using either your own technology or get it from Russia. Russia से आप सामान मिलना नहीं है, तो you better make them in your own country. That is how a humble start was made actually in early 90s. Okay. हम लोग जब पहुंचे वहां पे तब तक वो कुछ पार्ट तो हो चुका था, बट वी स्टिल फेस एक्चुअली सम इश्यूज। आई गिव वन एग्जांपल, MiG-29 में रडार इज नॉट वर्किंग इन एयर एंड रडार इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एन एयरक्राफ्ट। आफ्टर ऑल वो अगर पिकअप ही नहीं कर रहा है तो वो उड़ किस लिए रहा है ना। तो उस एयरक्राफ्ट का रडार काम नहीं कर रहा है बिकॉज द पावर सप्लाई मॉड्यूल इज फेल्ड। तो व्हाट वी वर इंटरेस्टेड एक्चुअली इंडिजनाइज दिस पर्टिकुलर पावर सप्लाई मॉड्यूल एंड गेट टू अवर फ्यू इशू। लकीली अब ये आप देखिए, दो दो चीजें मैं एक्चुअली बताना चाहता हूँ। इंडिजनाइजेशन उस आइटम का हो रहा है जिसमें रशियन डिजाइनर्स हैव फेल्ड। आफ्टर ऑल रशियन डिजाइनर आल्सो वेरी गुड बट दे हैव फेल्ड। आप वो आइटम बनाना चाहते हैं जो एक्चुअली जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पैरामीटर्स पता ही नहीं है। रशियंस आर नॉट गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग एक्चुअली ऑन अ प्लेटर की ये आप बढ़िया और उसके बाद फिर तो लिटरली टेकन ओवर बाय यू एक्चुअली इन इंडिया, बट दैट वाज नॉट द केस। तो अब आपके पास में हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है लेकिन आपका रडार डाउन पड़ा हुआ है। हाउ टू गो अबाउट, तो देयर वाज अ कांसेप्ट व्हिच वाज यूज्ड बाय इंडियन एयरफोर्स वेरी वेल, कांसेप्ट कॉल्ड ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स कांसेप्ट वाज अ सिंपल कांसेप्ट कि इनपुट ये है, आउटपुट ये है, बीच में आपको जो लगाना है वो लगा दीजिए। वो आप क्या लगाते हैं उसके स्टैंडर्ड्स है, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉट्स, कमर्शियली ऑफ द शेल्फ आइटम्स, ठीक है, या आपके जो आइटम्स है उनको आपको एज ए रिक्वायरमेंट एक्चुअली डिक्लेयर करना पड़ता है व्हाट आर दिस आइटम्स एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस आइटम्स। बट इनपुट और आउटपुट सेम रहना चाहिए, दैट वाज व्हाट वाज एक्चुअली द बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट विद एंड वी वर सक्सेसफुल। देयर वर सो मेनी प्लेयर्स अवेलेबल एंड सो मेनी कॉम्पिटेंट प्लेयर्स, आई मस्ट से वेरी वेरी प्राउडली एक्चुअली वी वर एबल टू फाइंड सो मेनी कॉम्पिटेंट प्लेयर्स इन एंड अराउंड नासिक, इन बैंगलोर and places like that. These are like industries. बिल्कुल जो, 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 जो,
वो डेवलपमेंट देख रहे हैं, जैसे एलसीए के बहुत सारे पार्ट्स एक्चुअली इंडिया में बनते हैं, ये जो जैसे रशियन एयरक्राफ्ट है उनके बहुत सारे पार्ट्स एक्चुअली हम लोग इंडिजनाइज कर चुके हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग या द टेक्नोलॉजीज व्हिच आई टोल्ड यू जस्ट नाउ समथिंग लाइक ब्लैक बॉक्स। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग को डेवलप करने का एक्चुअली वहां पे उसमें मौका मिला। आई लर्न इट इन फर्स्ट एक्चुअली 3-4 ईयर्स ये चीज क्या है, और फिर उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। आई वेंट लिटरली पैशनेट अबाउट इट, मुझे तो उसके बारे में ये हुआ, क्योंकि आफ्टर ऑल वो आइटम आपको पहले तो वो रशियन 2 साल बाद में देगा, जब आप कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने का आपका जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से भी करीब 1-1.5 साल तो कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज करने में लगेगा। दैट मीन्स आज मैं डिमांड कर रहा हूँ वो आइटम आएगा 3 या 3.5 साल बाद में। हाउ कैन यू लिव विदाउट दैट आइटम लाइक दिस फॉर दीज मेनी ईयर्स? तो वी यूज टू कैप्चर द रिक्वायरमेंट्स, हमारे एक प्रोविजनिंग रिव्यूज करके जो होते हैं उससे हम एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स कैप्चर करते थे, एंड वी यूज टू टेक अप ऑल दोस आइटम्स एक्चुअली फॉर इनिशिएशन वन बाय वन, एंड वी आर क्वाइट सक्सेसफुल इन दैट। ओके, तो आई थिंक इन दैट वे इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल है हमारी। ये मैंने कहा ना, मैं मुझे उजर पहुंचती मेरे, इट वॉज एन आई ओपनर फॉर मी, दिस आई ओपनर वॉज दिस एक्चुअली क्या, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ इस एयरफोर्स में, और एयरफोर्स गिव्स लॉट ऑफ फ्रीडम टू सच थिंग्स बिकॉज एयरफोर्स डिस्परेटली रिक्वायर्स दीज आइटम्स। वो मैं अगर नहीं बना के दूंगा तो कोई नहीं बना के देने वाला है, बिल्कुल उसको इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा। तो आई थिंक मी एक्चुअली नहीं, और इम्पोर्ट करने में आप दूसरों पे डिपेंडेंट होते हो, और बहुत सारी चीजें उसमें शामिल है, आप बट इफ यू कैन डू इट। जी, एक क्लासिक एग्जांपल मैं देता हूँ ब्रह्मोस मिसाइल की इंटीग्रेशन का ऑन Su-30 एयरक्राफ्ट, तो इट वाज डन बाय एचएएल, बट क्यूडोस टू देम, बिकॉज़ अगर आप रशिया के पास में जाते हैं टाइम ओवररन्स, आप उसका एक्चुअली कितना एक्चुअली पैसा देते पता नहीं, बट एचएएल डिड इट। नहीं तो सर आज आज Su-30 हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एयरक्राफ्ट इन द एंटायर वर्ल्ड, जो उसके ऊपर लगी एक मिसाइल कॉल्ड ब्रह्मोस। तो सर इसी इन द सेम ब्रेथ आई वुड से, जैसे आपने आज एचएल की बात की कि ब्रह्मोस मिसाइल में किस तरह काम कर रहे हैं, उसी तरह मैं कहूंगा कि डीआरडीओ, जी, इसरो, इन लोगों ने जो काम किया है, मतलब और जिस तरह से ये भारत में रह के वर्ल्ड क्लास जी काम कर रहे हैं, आई थिंक ये 15 अगस्त के इस मौके पर उन सबको भी सलाम, एक नहीं दोनों हाथों से सलाम करना चाहिए। बिकॉज वन सिंपल थिंग, मैं एयरफोर्स में रह करके मैं अगर मैं कहता हूँ कि मैं देशभक्त हूँ, इसरो का बंदा भी वही काम कर रहा है, डीआरडीओ का बंदा भी वही काम कर रहा है, बीएल में, बीडीएल में, एचएल में रहने वाला का लड़का भी तो वही काम कर रहा है, एंड ही इज वर्किंग इन अ वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट। मेरे लिए एनवायरनमेंट ऐसा है कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दू मेरे सबॉर्डिनेट ने फॉलो करनी ही करनी है, इफ ही हैज टू से नो ही हैज टू गिव मी अ रीजनिंग देन एंड देयर, मे बी यू नो क्या सम गैप एक्चुअली इज अलाउड, बट अदरवाइज ही इज सपोज टू फॉलो दैट। हमारे यहाँ तो इंस्ट्रक्शन आर एक्चुअली ऑर्डर्स, और डिसोबीडियंस ऑफ ऑर्डर्स इज एक्चुअली जस्ट नॉट एक्सेप्टेड। दैट गाय इज वर्किंग इन एचएएल या एक पीएसयू में काम करना कितना कठिन है मुझे एक्चुअली मैं देख चुका हूँ सर, कितना कठिन है। और आज की तारीख में जब बहुत सारे नए नए कानून हैं और आरटी है, आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकमिंग बिल्कुल टफ, एंड येट व्हेन दे वर्क इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, एंड तो आई थिंक कहीं नहीं कितने स्टार्टअप्स है, स्टार्टअप्स है जिन्होंने एक्चुअली क्या एलसीए को उस मुकाम पे पहुंचा है जहां पे आज वो पहुंचा है, तो उस तरह स्टार्टअप्स है जिन्होंने एक्चुअली इसरो में के लिए भी काम किया हुआ, तो ऐसे ये बंदे भी उतने ही देशभक्त है जितने हम हैं। तो देखा जाए तो ये जो 90s में ये जो शुरुआत हुई उसको मेरे ख्याल से आज की तारीख में तो अब हम आत्मनिर्भर भारत का हमने वो एक अलग जज्बे के साथ, प्लानिंग के साथ, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ शुरुआत हुई है, एंड आई थिंक वी विल अचीव ग्रेटर हाइट्स जी इज अ कंट्री जी कंट्री जी। और तो सर बहुत मजा आया, बहुत सीखने को मिला, मतलब किस तरह फोर्सेस से हम लोग मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं वो हमको पता चली, वार के बारे में आपने बताया, इंजीनियर का क्या रोल होता है वो हमको समझ आया जी। और एक चीज आपने बीच में बोली और ये कुछ लोगों ने तो जिक्र किया कि एमपी से कम लोग वहां पर जाते हैं जी, और तो अगर हमारे कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर जाना है और वहाँ पर एयरफोर्स में या मिलिट्री में जाना है, फोर्सेस में जाना है, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन है, उनको क्या करना? देखिए दो तीन चीजें, एक तो पहली बात कैरियर एयरफोर्स, कैरियर इंडियन एयरफोर्स, कैरियर इंडियन एयरफोर्स .nic.in एक साइट है, वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर
इंडियन एयरफोर्स में इंडक्शन के लिए क्या 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 रिक्वायरमेंट्स है, ट्रेनिंग कैसे होती है, पे पे की तो मैं बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि पे इज एक्चुअली वेरी वेल टेकन केयर ऑफ, आई थिंक सभी को पता भी होगा शायद, लेकिन ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या वो लोग देखना चाहते हैं आपने, ग्रुप डिस्कशन जैसे होता है उसमें क्या चीजें होती है, उस टाइप की चीज, वो आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सप्लेनेशन व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन दैट, यूट्यूब पे भी ढेरों एक्चुअली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे वो देखनी है, यू कैन ऑलवेज एक्चुअली सी दोज साइट्स, उसके ऊपर भी कोई डाउट्स अगर कुछ है तो हम लोग सही के रिटायर्ड लोग तो है ही है, हु कैन ऑलवेज बी कॉन्टेक्टेड, उन साइट्स के ऊपर भी एक्चुअली कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए जिनसे वो एक्चुअली दिशा करके हमारा जो सेल है, दिशा इज अ सेल लुक्स आफ्टर एक्चुअली इंडक्शन पब्लिसिटी, वो समझ गया सर कि वो तो एक ऑफिशियल तरीका हो गया, पर अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन अगर चाहे और कभी आपको बुलाए इनवाइट करे तो आप चाहेंगे आप जैसा जैसा आप जिस समय कहेंगे उसके आई थिंक मैं भी 2 मिनट पर मैं हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि सर आपके साथ उस एयरक्राफ्ट के साथ खड़े होकर सेल्फी खिंचाने की इच्छा तो बहुतों के दिल में, जी जी जी, तो मेरा ख्याल है एक बार हम ऐसा भी कुछ करें कि आप वहां पर हम सबके साथ हो, बिल्कुल, और स्टूडेंट्स को दिल में अगर कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं जी, और कभी भी मैं इंदौर मेरा आना वैसे साल में एक बार तो हो ही जाता है, तो इंदौर जब आना होता है तो महाकाल के दर्शन करने के लिए मैं क्यों नहीं आऊंगा, वो आऊंगा तो मैं मेरे कॉलेज के दर्शन करने के लिए, आई मेक ए पॉइंट एक्चुअली कि मैं कॉलेज आऊंगा और मिलता रहूं, मैं वो होते रहता है, लेकिन अगली बार मैं जब आऊंगा तब ये जो अगर किसी ने मुझे हाँ, क्योंकि आज आपका एयरक्राफ्ट वहाँ खड़ा हुआ है, लेकिन आप भी अगर वहाँ होंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जी जी एनी टाइम, तो दोस्तों इसी के साथ घड़ी मुझे कह रही है कि हमको यहाँ पर थोड़ा सा थमना चाहिए, क्योंकि जैसा सर ने कहा लड़ाई कल भी है, बिल्कुल ये सेशन चलते रहेंगे, सर के साथ जो बातचीत शुरू हुई है ये आगे भी चलेगी, आप सर आपका ईमेल आईडी क्या मैं शेयर कर सकता हूँ, प्लीज डू प्लीज डू, अगर कोई मैं संवाद ग्रुप में आपका ईमेल आईडी भी शेयर कर दूंगा, जी जी, तो सर आज ही आपको और बाकी सब मेरे दोस्त हैं सुन रहे हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाइयां, जी बधाइयां, और आप मैं कहूंगा कि सर आपकी जो जिंदगी है जो आपकी पूरी कहानी है दैट इज वेरी वेरी इंस्पायरिंग, वेरी वेरी इंस्पायरिंग, और मुझे साथ में समझ में आया कि वो कितना प्रैक्टिकल आउटलुक है, मतलब आप होश रखिए जोश में भी जी। या हमको कल भी तो लड़ाई लड़ना है, या मैं अकेला युद्ध नहीं लड़ रहा हूँ, इतने सारे लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं जो मैं सब दोस्तों से कहूंगा कि ये जो हमारा आज का सेशन है इसकी रिकॉर्डिंग भी संवाद ग्रुप पे मिलेगी, फेसबुक लाइव ये हो ही रहा है वहां पर मिलेगी, यूट्यूब पर भी इसको अपलोड किया जाएगा, तो इसकी रिकॉर्डिंग फिर से देखिए, आपको समझ में आएगा कि सेशन कितना महत्वपूर्ण है और उसमें कितनी काम की बातें सीखी जा सकती है। थैंक यू सर, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता कि हम सेशन रोक रहे हैं क्योंकि बातचीत चलती रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल, और तो यहाँ पे एक छोटा सा विराम लेते हैं, जी जी, जी। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय हिंद, सब दोस्तों को एक स्वर्णिम नए वर्ष के लिए बधाई, और सर से लगातार आप बात कर सकते हैं, कोई एक हाथ उठा और फिर चला गया, अगर आप बात करना चाहते हैं सर से तो मैं आपको जोड़ सकता हूँ, आई डोंट नो किसने हैंड रेस किया था, आप एक बार फिर करेंगे तो मैं आपको सर के साथ जरूर बातचीत करने के लिए जोड़ूंगा, सर आधा मिनट और, हाँ प्लीज प्लीज डू प्लीज, क्योंकि प्रशांत जोशी है, हाँ ये तो हमारे सिविल के दोस्त है मेरे, अच्छा तो एक मिनट में ये हमारे वो क्या 5 साल के दुख दर्द के साथी है, ठीक है, अच्छा तो साथ में बहुत सारी क्या बातें की है उसके बाद में फिर हम लोग दिल्ली में भी बाद में फिर भी, तो एक मिनट में उनको स्क्रीन पर आपके साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम मिलता है जब दोस्त लोग वापस से मिले बात करें, चारू अरे नमस्ते कैसे हो, नमस्ते, मैंने कहा
तुम एक बार ट्रेन वाला गुलाम अली की गजल भी सुनाते जाते जाते। हेलो, अच्छा ये नई बात है जो मुझे नहीं पता। ये बहुत अच्छी गजल के बहुत अच्छे गजल गाते हैं। क्या बात अभी, और ट्रेन में हम ये चलो गुड। नहीं नहीं, वो शौक तो कुछ ना कुछ तो होते रहना चाहिए, शौक रहना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल जो है एयरफोर्स में रह करके आप अपना काम तो करते ही करते रहते हैं, फिर अगर जब फ्री वक्त मिलता है तो गुनगुनाते भी आना चाहिए ना। आई एम अ टीटोटल, तो मुझे वो बाकी के शौक तो लगे नहीं, तो अब वो शौक नहीं थे, तो ये ऐसे कुछ शौक थे जो, जैसे प्रशांत ने अभी बड़ा अच्छा याद दिलाया कि ऐसे शौक थे। तो अगर आप कुछ आप लोगों की अनुमति से यहाँ पे विराम दे सकता हूँ। जी 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 प्लीज। तो दोस्तों तैयार रहिए एक अगले बहुत शानदार सेशन के लिए, और यही सिलसिला सीख का यह सिलसिला जारी रहेगा। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई स्वतंत्रता दिवस के पूर्व ही बधाई। उस दिन तो हम फिर से कुछ बधाई आपके साथ बांटेंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आप सबकी अनुमति से मैं इस सेशन को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा।